हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज योर पर्सनल इंग्लिश कोच प्रोफेसर डीसी। और इस वीडियो में हम समझेंगे एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है टू बिल्ड अ फायर। इसे जैक लंडन ने लिखा है। जैक लंडन एक अमेरिकी नॉवेलिस्ट, जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट थे। सबसे पहले तो ये जो टाइटल है उस पर फोकस करते हैं। टाइटल है टू बिल्ड अ फायर, आग बनाने के लिए। भाई आग बनाना कौन सी बड़ी बात है, कोई भी आग लगा सकता है, कहीं भी आग लगा सकता है। लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसे सिचुएशन, कुछ ऐसी घटनाएं घटती है, जीवन अग्नि के अस्तित्व पर निर्भर हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं टू बिल्ड अ फायर। डे हैड डॉन्ड कोल्ड एंड ग्रे व्हेन द मैन टर्न असाइड फ्रॉम द मेन यूकॉन ट्रेल। नॉर्मली सुबह कैसी होती है? फुल ऑफ सनलाइट, फुल ऑफ ब्राइटनेस, डिलाइटफुल। सूर्य की किरणों की वजह से काफी अच्छा और फ्रेश महसूस होता है। लेकिन यहां पर एक इंसान है जो कि ब्रिटिश कोलंबिया के एक पहाड़ी इलाके में गुजर रहा है। ट्रेल होता है एक पैसेज, पर्वतों के बीच जो रास्ता होता है उसे हम पैसेज कहते हैं। तो ये इंसान यूकॉन ट्रेल से गुजर रहा है, इसको हम चिलकुट ट्रेल भी कहते हैं। लेकिन परिस्थिति क्या है? इट इज मॉर्निंग, सुबह का समय है। लेकिन सुबह होने के बावजूद बेहद ठंडी है और सूर्य का कोई निशाना नहीं, इसीलिए ग्रे शब्द का यूज किया है। देयर इज नो सनलाइट, द मॉर्निंग इज ग्रे। ही क्लाइम्ड द हाई अर्थ बैंक वेयर अ लिटिल ट्रैवल्ड ट्रेल लेड ईस्ट थ्रू अ पाइन फॉरेस्ट। चलते चलते उसके सामने एक टीला आ गया, अर्थ बैंक जिसे हम कहते हैं, धरती से थोड़ा सा एलिवेटेड एरिया, और वो उसके ऊपर चढ़ गया। और इस टीले के बाद पूर्व दिशा में एक रास्ता था जहां से ज्यादातर लोग नहीं जाते थे, इसलिए लिटिल ट्रैवल्ड लिखा है। और उस रास्ते में ढेर सारे देवदार के पेड़ मौजूद थे, और उन देवदार के पेड़ों के भीतर से एक इंसान जा सकता था। अब ये जो टीला था वो थोड़ा सा ऊंचाई पर था, और इसीलिए इस इंसान की सांसें फूल गई, वो थोड़ा सा थक गया। और उसको चढ़ने के बाद वहीं पर रुका और गहरी सांसें लेने लगा। He excused the act to himself by looking at his watch. वो काफी देर से चल रहा था, और क्योंकि वो थक गया था, वो वहीं पे आराम भी करने लगा था, और इसी दौरान उसने समय देखा। सुबह के 9 बजे थे। It was 9 o'clock in the morning. There was no sun or promise of sun, although there was not a cloud in the sky. बहुत ही अजीब सा दृश्य था। सूरज कहीं भी नहीं दिख रहा था, और ना ही कोई बादल। It was a clear day. वातावरण काफी साफ था। However, there seemed to be an indescribable darkness over the face of things. इतना साफ सुथरा मौसम होने के बावजूद हर चीज में एक अजीब सा अंधेरा महसूस हो रहा था, एक अवर्णनीय डर सा प्रतीत हो रहा था। That was because the sun was absent from the sky. तो दोस्तों, जहां पर स्नोफॉल होता है, जिस देश में बेहद ठंड लगती है, वहां पर कुछ ऐसा ही महसूस होता है। बिकॉज ऑफ द सन हम कितने खुश रहते हैं, एक अलग एनर्जी आती है। लेकिन उस दिन, जैसे मैंने कहा, सूरज का नामो निशान नहीं था, और इसीलिए एक अंधकार सा, एक डर सा महसूस हो रहा था। दिस फैक्ट डिड नॉट वरी द मैन। अगर कोई और इंसान होता तो शायद वापस घर लौट जाता। कोई और इंसान होता तो ऐसे विचित्र वातावरण से उसको डर लगता। लेकिन यहां पर जो इंसान है, जो कि टीले के ऊपर खड़ा है और समय देख रहा है, उसको ऐसे वातावरण की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वो निश्चिंत होकर के आगे बढ़ रहा था। He was not alarmed by the lack of sun. It had been days since he had seen the sun. अब ये जो इंसान है, वो एक ट्रैक पे निकल पड़ा था। काफी दिनों से वो ट्रैकिंग कर रहा था। उसने सन, सूर्य को काफी दिनों से नहीं देखा था। कोई साधारण इंसान होता तो शायद एक बार सोचता कि क्योंकि सूर्य नहीं है तो कुछ अनहोनी हो सकती है, क्योंकि सूर्य नहीं है तो मुझे वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन यहां पर जो इंसान है, वह थोड़ा सा भी चिंतित नहीं है। The man looked along the way he had come. टीले पर खड़े होकर के उसने थोड़ा सा आराम किया, और फिर समय को देखा। सुबह के 9 बज रहे थे, और फिर उसने पीछे पलट के देखा। उसने देखा कि वो लंबा सा रास्ता पार करके आया है। उसने देखा कि वो काफी जल
के यहां तक पहुंचा है। The Yukon lay a mile wide and hidden under 3 feet of ice। अब ये जो पहाड़ियों के बीच जो रास्ता था, जो पैसेज था, वो 1 मील चौड़ा था। What is 1 mile into kilometers? 1.6 kilometers। हम कह सकते हैं कि ये काफी चौड़ा रास्ता था, लेकिन इस रास्ते के ऊपर ढेर सारी बर्फ थी। 3 feet of ice cover। On top of this ice were as many feet of snow। तो जब पानी फ्रीज हो जाता है, और स्पेशली तब जबकि टेम्परेचर्स माइनस में हो, तो आप फ्रोजन वाटर के ऊपर चल सकते हैं। तो यहां पर कुछ ऐसा ही था, जमा हुआ पानी और उसके ऊपर ढेर सारी बर्फ। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। इट वॉज प्योर व्हाइट, बिल्कुल सफेद। नॉर्थ एंड साउथ एज फार एज हिज आईज कुड सी, इट वॉज अनब्रोकन व्हाइट। उस टीले के ऊपर पहले तो उसने पलट के उस रास्ते को देखा जो वो चल के आया था, और फिर सामने की ओर देखा। उसने देखा कि न पेड़ नजर आ रहे हैं, न पत्थर और ना ही पहाड़। अगर कुछ दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ बर्फ। The one thing that relieved the whiteness was a thin dark line that curved from the pine-covered island to south। इतनी सारी बर्फ के बीच अगर कुछ थोड़ा सा भी दिख रहा था, तो वो एक पतला सा रास्ता था जो कि देवदार के पेड़ों के भीतर से जा रहा था, और वो भी उस द्वीप, उस आइलैंड की दक्षिण दिशा में। It curved into the north where it disappeared behind another pine-covered island। और वही रास्ता जैसे कि उस इंसान ने देखा, उत्तर की ओर मुड़ रहा था, और क्योंकि वहां पे ढेर सारे देवदार के पेड़ थे, उस रास्ते को इसके आगे देख पाना मुश्किल था। The dark line was a trail, the main trail। ये जो रास्ता था, ये जो लाइन दिख रही थी ढेर सारी बर्फ के बीच में, वही योकुन का फुटपाथ था, वही ट्रैक था जिसके ऊपर लोग चल के जा सकते थे। ये रास्ता दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। यह रास्ता चिलकुट द्वार की दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। अगर एक इंसान इस रास्ते पर 500 मील तक चलता गया, तो वह चिलकुट पास के दक्षिण में पहुंच सकता था, और वहीं पर खारा पानी, सॉल्ट वाटर भी था। It led north 75 miles to Dawson and still farther on to the north 1,000 miles to Nulato and finally to St. Michael on Bering Sea and 1,000 miles and half a thousand more। इसी रास्ते के उत्तर में 75 miles के बाद Dawson नाम की जगह पड़ती थी, और उसके उत्तर में 1,000 मीलों के बाद Nulato पड़ता था, और अंत में Bering सागर पर स्थित St. Michael पड़ता था, कुछ आधे से हजार, कुछ हजार मीलों के बाद। But all this, the distant trail, no sun in sky, the great cold and the strangeness of it all had no effect on the man। अब ये जो इंसान है जो ट्रैकिंग करने के लिए निकल पड़ा है, उसको किसी भी बात की फिक्र नहीं हो रही है, चाहे लंबा रास्ता ही क्यों ना हो, चाहे सूरज क्यों ना दिखे, चाहे बहुत ज्यादा ठंड ही क्यों ना हो, चाहे वातावरण इतना अजीब ही क्यों ना हो, इस इंसान पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। It was not because he was long familiar with it. He was a newcomer in the land, and this was his first winter. अब ऐसा नहीं था कि इस इंसान को विंटर सीजन का पता नहीं था, बर्फ का पता नहीं था, लंबे से रास्तों का पता नहीं था, ऐसा नहीं है। ये इंसान सब जानता था। इस इंसान ने ये सब कहीं और देखा था, लेकिन यूकॉन ट्रायल पे वो एक न्यूकमर था। He was a newcomer in the land, and this was his first winter. इस जमीन पर वो पहली बार आया था, और पहली बार इस इंसान ने बहुत ही ज्यादा ठंड को महसूस किया था। The trouble with him was that he was not able to imagine। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कल्पना शक्ति बहुत कमजोर होती है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं foresight, या तो फिर vision। वैसे इंसान सोच नहीं पाते हैं कि अगर ऐसे हालात हैं तो ऐसा हो सकता है। तो इस इंसान के साथ यही प्रॉब्लम थी। वो कल्पना ही नहीं कर सकता था कि सूरज नहीं है, इतनी ठंड है, इतना लंबा सा रास्ता है, और वो भी गाढ़ी सी बर्फ से ढका हुआ। तो क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, और अगर मैं आगे बढ़ा तो क्या मेरे लिए आसान होगा, क्या मुसीबतें आ सकती है, ये इंसान कुछ भी सोच नहीं पा रहा। He was quick and ready in the things of life, but only in the things, not in their meaning। जिंदगी में वो हमेशा तैयार रहता था। उसके पास आधुनिक चीजें होती थी, उसने काफी कुछ हासिल कर लिया था,
लेकिन उन चीजों का उपयोग बेहतरीन ढंग से कैसे किया जाए ये उसको नहीं पता था। बेहतरीन चीजें होने का मूल्य क्या होता है ये उसे नहीं पता था। 50 डिग्रीज बिलो जीरो meant 80 डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट। दोस्तों यहां पे हमें टेम्परेचर का पता चल रहा है। What was the temperature? Minus 50 degrees. और जब इतनी ठंड होती है तो हवा में फ्रॉस्ट होती है। फ्रॉस्ट को हम हिंदी में कहते हैं तुषार या पाला या निहार। कहने का मतलब है कुछ दिखता नहीं है। सच फैक्ट्स टोल्ड हिम दैट इट वॉज कोल्ड एंड अनकंफर्टेबल एंड दैट वॉज ऑल। एक साधारण इंसान ये समझ सकता है कि माइनस 50 डिग्रीज क्या होता है। एक साधारण इंसान ये समझ सकता है कि जिंदा रहना और वो भी ऐसे कठिन हालातों में नामुमकिन सा होता है। लेकिन ये जो इंसान है उसको सिर्फ इतना पता है कि ऐसे हालातों से उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा, असुविधाजनक, असुखद महसूस होगा। उसको सिर्फ ये पता था कि भैया थोड़ी सी तकलीफ होगी। इट डिड नॉट लीड हिम टू कंसिडर हिज वीकनेस एज अ क्रीचर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। वो इस बात की कल्पना नहीं कर सकता था कि वो खुद एक प्राणी है और किसी भी प्राणी को बदलते हुए तापमान से सावचेत रहना चाहिए। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि इतना बेहद ठंडा तापमान किसी भी प्राणी की कमजोरी होता है। नहीं सह पाता कोई भी प्राणी इतना ठंडा वातावरण। Nor did he think about a man's general weakness, able to live only within narrow limits of heat and cold. हमारा जो शरीर है वो गर्मी कुछ हद तक ही सह सकता है। इट इज फॉर एग्जाम्पल अबव 50 डिग्रीज तो आप नहीं रह सकते, आपको एसी चाहिए, कूलर चाहिए, पंखे चाहिए। सिमिलरली अगर ठंड भी एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो आपको बेस्ट स्वेटर्स चाहिए, कंबल्स चाहिए। आप कैंप फायर में बैठ जाते हो, आप घरों में हीटर लगा लेते हो। अब ये जो इंसान है हमारा दोस्त इस चैप्टर में, उसको इस बात की कल्पना ही नहीं हो रही है कि एक इंसान, एक प्राणी एक फिक्स टेम्परेचर में ही सर्वाइव कर सकता है। फ्रॉम देयर इट डिड नॉट लीड हिम टू थॉट्स ऑफ हेवन एंड द मीनिंग ऑफ अ मैन्स लाइफ। वो ये नहीं सोच पा रहा था कि जब ठंड अपनी चरम सीमा पे होती है तब एक इंसान की मौत हो सकती है, वो स्वर्ग सिधार सकता है। उसको ऐसे विचार बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। और वो ये भी सोच नहीं पा रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो मेरी जिंदगी का क्या मतलब रह जाएगा। उसको इस बात की कल्पना नहीं हो रही थी कि क्या एक इंसान की जिंदगी को इतनी ठंड में दाव पर लगा देना जायज है। 50 डिग्रीज बिलो जीरो meant a bite of frost that hurt and that must be guarded against by the use of mittens, ear coverings, warm moccasins and thick socks. उसको लग रहा था कि यार माइनस 50 डिग्री ही तो है, मैं ग्लव्स पहन लूंगा और स्वेटर पहन लूंगा और मोटे वाले सॉक्स पहन लूंगा और मेरे कान ढक लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, डरने की कोई बात नहीं। 50 degrees below zero was to him nothing more than 50 degrees below zero. कहने का मतलब वही है कि इस इंसान के लिए सिर्फ एक आंकड़ा था minus 50 degrees, but उसको इस बात का थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि minus 50 degree यानी कि ऐसी ठंड जो कि असहनीय होती है। उसको ये कल्पना नहीं हो रही थी कि minus 50 degrees यानी एक चेतावनी जिसे जीवन खत्म हो सकता है। That it should be more important than that was a thought that never entered his head. Minus 50 degrees को वो एक आंकड़ा ही समझता रहा। वो इस बात को महसूस नहीं कर पा रहा था कि यह एक खतरनाक संकेत हो सकता है। As he turned to go, he forced some water from his mouth as an experiment. अब समय था आगे बढ़ने का, लेकिन आगे बढ़ने से पहले उसने मुंह से पिचकारी मारने की कोशिश की, एक दिलचस्प प्रयोग। इसे पहले कि पानी जमीन पर गिरे वो बर्फ बन चुका था और उसी बर्फ के गिरने की आवाज से उसको आश्चर्य हुआ। He tried again and again in the air before they could fall to the snow. The drops of water became ice that broke with a noise. बार बार उसने ये प्रयोग किया और बार बार उसने एक ही चीज देखी कि मुंह से निकलने के बाद पानी तुरंत बर्फ बन रहा था और वो भी कुछ ही क्षणों में, और वो ही बर्फ का गोला बर्फ से बने हुए रास्ते पर धर से गिरता था। He knew that at 50 below zero, water from the mouth made a noise when it hit the snow. तो दोस्तों बार बार राइटर जो है वो सरकास्टिकली इस इंसान की निंदा कर रहे हैं। हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है, तो अगर साधारण पानी कुछ सेकंड्स में अगर बर्फ बन सकता है तो क्या हमारे शरीर के अंदर जो पानी है वो बर्फ नहीं बन सकता। इस बात का थोड़ा सा भी एहसास
इस इंसान को नहीं हुआ। हालांकि उसने इतना ही याद कर लिया कि जब मुंह से पानी निकलता है और वो भी -50 डिग्रीज में, तो वो बर्फ बन जाता है और धड़ से गिरता है। But this has done that in the air. Undoubtedly, it was colder than 50 below. But exactly how much colder, he did not know. But the temperature did not matter. उसने सोचा, ये तो सब होता रहता है हवा में। और फिर उसने ये भी सोचा कि काफी ठंड है, लेकिन कितनी तीव्र है उसका अंदाजा उसको नहीं लग रहा था। और इतने तीव्र वातावरण से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। He was headed for the old camp on Henderson Creek where the boys were already. एक जलमार्ग था जिसको हम क्रीक कहते हैं, और ये जो बंदा है वो हिंडरसन क्रीक से होते हुए यहां तक पहुंचा था। हिंडरसन क्रीक पे कैंप्स बने हुए थे जिसको हम हिंदी में शिविर या तो छावनी कह सकते हैं। जब आप ट्रैकिंग करने जाते हो तब अगर आपको आराम करना होता है तो आपको एक टेंट में जगह दी जाती है जहां पे आप आराम कर सकते हो। तो एक ऐसी ही जगह थी हिंडरसन क्रीक जहां पे काफी सारे टेंट लगे हुए थे और कुछ लड़के वहां पे मौजूद थे। ये जो इंसान है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो वहीं से आ रहा था। They had come across the mountain from the Indian Creek country. वो जो लड़के हिंडरसन क्रीक पे बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे, वो किसी और पहाड़ी से, इंडियन क्रीक से होते हुए आए थे। He had taken the long trail to look at the possibility of floating logs from the island in the Yukon down the river when the ice melted. यूकॉन में द्वीप से तैरते हुए लकड़ी के टुकड़ों को देखने के लिए इस इंसान ने एक लंबा सा सफर पार किया था। उसको लगा कि जब बर्फ पिघलेगी तो यूकॉन के द्वीपों से लकड़ी के टुकड़ों को तैरता हुआ देखने का अवसर उसे मिलेगा अगर उसने ये रास्ता चुना। He would be in camp by 6 o'clock that evening. उस इंसान को लगा कि लंबा सा रास्ता काटने के बाद वो आराम से शाम को 6 बजे तक वापस आ जाएगा, वापस हिंडरसन क्रीक के कैंप तक पहुंच जाएगा। It would be a little after dark, but the boys would be there, a fire would be burning, and a hot supper would be ready. तो यहां पे हमें साफ पता चल रहा है कि जो भी इंसान था उसने एटलीस्ट हिंडरसन क्रीक तक पहुंचने के लिए किसी की मदद ली थी, और वो वहां तक पहुंच गया था। उसने देखा कि कुछ लड़के बैठे हुए हैं जो कि हिंडरसन क्रीक से ट्रैकिंग करके आए हुए होते हैं, और इस इंसान ने सोचा कि वो एक लंबा सा सफर अपने पैरों के बल पर पार करेगा और बहती हुई लकड़ियों को देखेगा और उसी स्थान, उसी कैंप पर वापस आराम से शाम को 6 बजे पहुंच जाएगा। और क्योंकि लड़के उसको जाते वक्त मिले थे तो उसने ये मान लिया कि वही लड़के उसी कैंप पर उसको वापस मिलेंगे, और एक प्यारी सी कैंप फायर जल रही होगी और किसी ने गर्मा गर्म खाना उसके लिए तैयार करके रखा होगा। As he thought of lunch, he pressed his hand against the package under his jacket. तो बहुत साफ है कि उसकी खुद की कल्पना शक्ति के हिसाब से, जो कि हमें पता है कि बहुत कमजोर थी, इस इंसान ने एक योजना बनाई थी। और इस पैराग्राफ में राइटर ने हमें ये इंसान यहां तक कैसे पहुंचा, वो कहां से आ रहा था और कहां जा रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन दी है। अभी तक वो इंसान टीले पर ही खड़ा था, उसको अपनी योजना पर गर्व था और वो अपनी योजना को याद करते हुए खुश हो रहा था। वो सफर के बारे में सोच ही रहा था, रात के खाने के बारे में सोच रहा था, तभी उसको ख्याल आया दोपहर के खाने का। और दोपहर के खाने के लिए उसने अपने साथ फूड पैकेट्स कैरी करके रखे थे जो कि उसके जैकेट के काफी भीतरी हिस्से में रखे हुए थे। It was also under his shirt, wrapped in a handkerchief and lying for warmth against the naked skin. वो केवल जैकेट के अंदर नहीं थे, वो फूड पैकेट्स या तो फिर कह सकते हैं फूड पैकेजेस, जैकेट के अंदर पहनी हुई शर्ट के भी अंदर रुमाल में लपेटे हुए थे ताकि खाना जम ना जाए और शारीरिक गर्मी की वजह से खाना खाने लायक बना रहे। Otherwise, the bread would freeze. अगर ऐसा नहीं किया तो खाना जम जाएगा और खाना मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। He smiled contentedly to himself as he thought of those pieces of bread, each of which enclosed a generous portion of cooked meat. तो दोस्तों, इमेजिन करो कि आप ट्रैकिंग पे जा रहे हो, आपके मन में एक योजना है और आप उस योजना को सोच करके खुश हो रहे हो। वैसे ही ये इंसान भी खुश हो रहा था, खास करके उसको तब सेटिस्फैक्शन मिला जब उसने दोपहर के खाने के बारे में सोचा, वो खाना
जो कि बेहद पॉश दिखे, जो रोटी या तो फिर कह सकते हैं ब्रेड और अच्छी तरह से पके हुए मांस से बना हुआ था। तो फ्रेंड्स, यहां तक हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? हमारे सामने एक ऐसा इंसान है जिसकी कल्पना शक्ति बेहद कमजोर है। कड़कड़ती ठंड में वो निकल पड़ा है ट्रैकिंग करने के लिए। ये इंसान हेंडरसन क्रीक से होते हुए आ रहा है और उसको द्वीप के बहते हुए लकड़ी के टुकड़ों को देखना है। और ये दृश्य देखने के बाद उसकी योजना ये है कि वो वापस हेंडरसन क्रीक शाम के 6 बजे तक पहुंच जाएगा। वो एक टीले के ऊपर खड़ा हुआ है, उसने समय भी देख लिया है, सुबह के 9 बज रहे हैं और अपनी योजना को एक और बार दृढ़ बना लिया है। दोपहर के खाने के बारे में उसने सोच लिया है और अब बारी है ट्रैकिंग शुरू करने की। He plunged among the big pine trees. उस टीले से उस इंसान ने उस रास्ते पर छलांग लगाई जो कि देवदार पेड़ों के बीच में से गुजर रहा था। देवदार पेड़ जो कि लंबे और घने थे। The trail was not well marked here. वो जो रास्ता था वो ढंग से दिख नहीं रहा था। Several inches of snow had fallen since the last sled had passed. स्लेड होती है बर्फ गाड़ी। जब बर्फ गाड़ी ऐसे रास्तों से गुजरती है तो उसके नीचे का बर्फ थोड़ा बहुत साफ हो जाता है और रास्ता दिखने लगता है। लेकिन यहां पर क्योंकि बर्फ गाड़ी के जाने के बाद काफी बर्फ गिर चुकी थी, रास्ता मिट सा चुका था। He was glad he was without a sled. मन ही मन ये इंसान खुश हो रहा है, मन ही मन ये सोच रहा है कि ये कितनी अच्छी बात है कि मेरे पास बर्फ गाड़ी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो चीजें और मुश्किल हो जाती। Actually, he carried nothing but a lunch wrapped in the handkerchief. बर्फ गाड़ी तो दूर की बात है, ना उसके पास और कोई सामान था और ना ही कोई औजार, केवल उसके पास दोपहर का खाना था और वो भी रुमाल में लपेटा हुआ। He was surprised, however, at the cold. उसकी sixth sense, उसके instincts, उस इंसान को महसूस करवाना चाहते थे कि बर्फ बहुत है, ठंड बहुत है, और उसको इस बात का आश्चर्य भी होता था। It was certainly cold. It certainly was cold, he decided as he rubbed his nose and face with his mittened hand. Mitten होता है एक प्रकार का दस्ताना, और सरल हिंदी में कह सकते हैं हाथ का मोजा। अब वो बर्फ से घिरे हुए रास्ते पर चल रहा था और फिर से एक बार उसको लगा कि वाकई में बहुत ठंड है। ये सोचते हुए उसने अपनी नाक और चेहरे को अपने हाथों से रगड़ा। He had a good growth of hair on his face, but that did not protect his nose or the upper part of his face from the frosty hair. इस सेंटेंस से हमें इस इंसान का लुक पता चल रहा है। उसने लंबी सी दाढ़ी रखी थी, अच्छे खासे बाल थे जो कि उसकी दाढ़ी को बचा रहे थे, लेकिन यह उसकी नाक या उसके चेहरे के ऊपरी हिस्से को ठंडी हवा से नहीं बचा पा रहे थे, क्योंकि वहां पे बाल नहीं उग सकते, वहां पे बाल होते ही नहीं है। Following at the man's heels was a big native dog. इस कहानी का दूसरा कैरेक्टर एक कुत्ता उस इंसान के नक्शे कदम पर पीछा कर रहा था, उसी एरिया का एक कुत्ता जिसको जायज है कि अत्यधिक ठंड में रहने की आदत पड़ चुकी थी। It was a wolf dog, grey coated and not noticeably different from its brother, the wild wolf. कुत्तों की एक प्रजाति होती है wolf dog, एक ऐसा ही wolf dog जिसके ग्रे कलर के फर थे, इस इंसान का पीछा कर रहा था। वुल्फ डॉग और वाइल्ड वुल्फ में ज्यादा अंतर नहीं होता है, दोनों ही दिखने में एक जैसे लगते हैं। The animal was worried by the great cold. ये कुत्ता भी जानता था कि यह साधारण ठंडी नहीं थी, यह कोई साधारण वातावरण नहीं था। उस प्राणी को भी चिंता हो रही थी। It knew that this was no time for traveling. यह वुल्फ डॉग बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि यात्रा करने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए यह बहुत ही गलत वातावरण था, यात्रा करने के लिए समय ठीक नहीं था। Its own feeling was closer to the truth than the man's judgment. उस कुत्ते की अपनी भावना, उस कुत्ते का अनुमान, उस कुत्ते की कल्पना शक्ति उस आदमी के फैसले की तुलना में सच्चाई के बेहद करीब थी। In reality, it was not merely colder than 50 below zero. It was colder than 60 below. Than 70 below. उस इंसान ने पढ़ा था और सुना था कि टेम्परेचर -50 डिग्री है, लेकिन दरअसल में कितना हो चुका था? -70, -75. It was 75 below zero. Because the freezing point is 32 above zero, it meant that there were 107 degrees of frost. Freezing point क्या होता है?
एक ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद लिक्विड सॉलिड बन जाता है। और दोस्तों ये जितना भी टेम्परेचर मेंशन किया है वो सारा कुछ फ़ारेनहाइट में है। जब हवा का तापमान पानी के फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे हो जाता है तब फ्रॉस्ट बनने लगता है। एंड व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब वास्तव में टेम्परेचर है 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि जो फ्रॉस्ट है, जो विजिबिलिटी है हवा की, उसका टेम्परेचर 107 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट हो चुका था। इन सिंपल वर्ड्स, काफी धुंधला नजर आ रहा था सब कुछ। द डॉग डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट टेम्परेचर्स। जाहिर सी बात है, कुत्ते को टेम्परेचर के बारे में क्या पता होगा। Possibly in its brain there was no understanding of a condition of very cold such as was in the man's brain. अब ये प्राणी को क्या पता कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ़ारेनहाइट क्या होता है, 32 अबव जीरो क्या होता है। ये सब तो हम इंसान ध्यान में रखते हैं। But the animal sensed the danger. मदर नेचर ने सभी प्राणी को एक सुपर पावर दिया होता है जिसकी वजह से वो जिंदा रहते हैं। और इस कुत्ते का भी सुपर पावर यानी कि उसकी सेंसेस उसे ये साफ साफ संकेत दे रही थी कि भैया बहुत खतरा है। Its fear made it question eagerly every moment of the man as if expecting him to go into camp or to seek shelter somewhere and build a fire. Chapter का टाइटल आ गया इस सेंटेंस में। इस कुत्ते को घबराहट सी हो रही थी। ये कुत्ता सोच रहा था कि क्या ये इंसान पागल है? ये इंसान आगे क्यों जा रहा है? इस इंसान को वापस उस कैंप तक चले जाना चाहिए या तो फिर यहीं पे एक टेंट बांध देना चाहिए, कहीं शेल्टर ले लेना चाहिए। कुत्ता सोच रहा है कि इस इंसान को कहीं पर बैठ के अग्नि को प्रज्वलित करना चाहिए और गर्मी लेनी चाहिए। The dog had learned about fire and it wanted fire. कुत्ते को भी बहुत ठंड लग रही थी, वो भी अंदर ही अंदर कांप रहा था, उसको भी गर्माहट की जरूरत थी। Otherwise it would dig itself into the snow and find shelter from the cold air. तीव्र वातावरण से बचने के लिए कुत्ते क्या करते हैं? एक गड्ढा खोद करके उसमें बैठ जाते हैं ताकि ठंडी हवा उनको असर ना कर सके। The frozen moistness of its breathing had settled on its fur in a fine powder of frost. उस कुत्ते की सांसों में जो नमी थी वो बेहद ठंड की वजह से तुषार बन चुकी थी, फ्रॉस्ट बन चुकी थी और उसकी नाक के आसपास स्थिर हो चुकी थी। The hair on the man's face was similarly frosted but more solidly. उस इंसान की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उसकी सांसों की नमी की वजह से इतनी तीव्र ठंड ने उस नमी को बर्फ में तब्दील कर दिया था और उस कुत्ते की तुलना में कुछ ज्यादा ही बर्फ उस इंसान की दाढ़ी पर जम चुकी थी। It took the form of ice and increased with every warm, moist breath from his mouth. जैसे जैसे वो सांसें ले रहा था वैसे वैसे वो नमी बर्फ में बदल रही थी। Also, the man had tobacco in his mouth. The ice held his lips so tightly together that he could not empty the juice from his mouth. यही नहीं, वो इंसान तंबाकू भी चबा रहा था। उसके मुंह में तंबाकू थी और उसके मुंह के आसपास इतनी ज्यादा बर्फ जम चुकी थी कि तंबाकू से बना हुआ जूस या रस थूकने के लिए भी वो अपने होठों को खोल नहीं सकता था। The result was a long piece of yellow ice hanging from his lips. वही तंबाकू का रस उसके मुंह से इसी वजह से टपकने लगा था और ठंड की वजह से बर्फ बन चुका था। ऐसा लगता था मानो एक पीले रंग की बर्फ उसके होठों से टंगी हुई हो। If he fell down, it would break like glass into many pieces. He expected the ice formed by the tobacco juice having been out twice before when it was very cold. अगर वो गलती से गिर गया तो वो पीले रंग की बर्फ के किसी कांच की तरह टुकड़े हो जाएंगे। उसने ये अनुमान लगा लिया था कि तंबाकू की जूस, तंबाकू का रस जैसे ही निकलेगा वो बर्फ बन जाएगा। इतनी तीव्र ठंड होने से पहले ही उसने ऐसा अनुमान लगा लिया था। But it had not been as cold as this, he knew. लेकिन उसने इस वक्त ये महसूस किया कि जब उसने ये अनुमान लगाया तब इतनी तीव्र ठंड नहीं थी। He continued through the level forest for several miles. Then he went down a bank to the frozen path of a small stream. वो इंसान उस घने जंगल के भीतर से कई मीलों तक चलता रहा। इसके बाद वह एक छोटी सी धारा के जमे हुए रास्ते में एक किनारे के पास गया। This was Henderson Creek and he knew he was 10 miles from where the stream divided. आखिर में वो हेंडरसन क्रीक पहुंच चुका था।
वह ये अच्छी तरह से जानता था और बर्फ की वजह से, या तो फिर कह सकते हैं बर्फ के पिघलने से, जो पानी की धाराएं बन रही थी, जहां धाराएं विभाजित हो रही थी, डिवाइड हो रही थी, उससे वो 10 मीलों की दूरी पर था। यानी कि यही तो उसे देखना था। वह सोच के आया था कि बर्फ के पिघलने से जो धाराएं बन रही है, वो नजरिया देखने के बाद वो वापस कैंप पहुंच जाएगा शाम के 6 बजे। और इस वक्त वो हेंडरसन क्रीक पहुंच चुका था। अब यहां से उसे और 10 मीलों की दूरी तय करनी थी। He looked at his watch. It was 10 o'clock. He was traveling at the rate of 4 miles an hour. उसने अपनी घड़ी के सामने देखा। सुबह के 10 बज चुके थे। उसने कैलकुलेशन किया, अनुमान लगाया और यह पता लगाया कि वो 1 घंटे में 4 मील का डिस्टेंस कवर कर रहा है। Thus he figured that he would arrive where the stream divided at 12:30. उसने फिर से कैलकुलेशन किया और वह इस नतीजे पर पहुंचा कि उस बहती धारा तक पहुंचते पहुंचते उसे 12:30 बज जाएंगे। He decided he would eat his lunch when he arrived there. जैसे ही वो उस बहती हुई धारा के पास पहुंचेगा तो कहीं पर किनारे पे बैठ के वो अपना दोपहर का खाना खा लेगा। उसने योजना बना ली थी। The dog followed again at his heels with its tail hanging low as the man started to walk along the frozen stream. आपने देखा होगा कि सर्दियों में, विंटर सीजन्स में, जब कुत्तों को ठंड लगती है या तो फिर जब कुत्ते घबराए हुए होते हैं तो उनकी पूंछ नीचे की तरफ झुक जाती है। तो कुछ ऐसा ही हाल था इस कुत्ते का। यह वुल्फ डॉग इस इंसान के नक्शे कदम पीछा कर रहा है। इसकी पूंछ नीचे की ओर लटक रही है और जैसे जैसे यह आदमी जमी हुई धारा के साथ चल रहा है, कुत्ता बिल्कुल असमंजस में होते हुए भी इस आदमी को फॉलो कर रहा है, इस आदमी का पीछा कर रहा है। The old sled trail could be seen, but 12 inches of snow covered the marks of the last sleds. एक बहुत पुरानी बर्फ गाड़ी के चलने के निशान दिख रहे थे, लेकिन ढेर सारी बर्फ ने सबसे आखिरी बर्फ गाड़ी के चलने के निशान मिटा दिए थे। In a month, no man had traveled up or down that silent creek. एक महीना हो चुका था और इस एक महीने में कोई भी इंसान इस खाड़ी पर, इस सुमसान सी जगह पर यात्रा करने के लिए नहीं आया था। The man went steadily ahead. यह इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। He was not much of a thinker. कल्पना शक्ति का पूरी तरह से अभाव था। ज्यादा सोच नहीं पा रहा था। At the moment he had nothing to think about except that he would eat lunch at the stream's divide and that at 6 o'clock he would be in camp with the boys. उसके दिमाग में केवल दो चीजें थी। वह केवल दो चीजों को मन में रखे हुए चल रहा था। Number 1, मैं उस धारा के पास जाके खाना खाऊंगा और Number 2, खाना हो जाने के बाद मैं वापस लौटूंगा और 6 बजे तक कैंप पहुंच जाऊंगा जहां पे वो लड़के बैठे होंगे और मैं अपना रात का खाना खाऊंगा। There was nobody to talk to and had there been, speech would not have been possible because of the ice around his mouth. यह जगह इतनी खतरनाक, इतनी सुनसान थी कि अगर वो चिल्लाता तो उसकी चीखें सुनने के लिए भी दूर दूर तक कोई नहीं था और जाहिर सी बात है कि बात करने के लिए भी कोई नहीं था। और अगर होता भी तो बातें करना नामुमकिन सा था क्योंकि इतनी तीव्र ठंड में एक इंसान अपने होठों को ठीक तरह से खोल नहीं सकता था। Once in a while the thought repeated itself that it was very cold and that he had never experienced such cold. एक आध बार उसे ये महसूस होता था कि भैया बहुत ठंड है, इतनी ठंड उसने पहले कभी नहीं अनुभव की थी। देखिए दोस्तों, कैसे अगर एक इंसान अपने इमेजिनेशन का, विजन का, फोरसाइट का उपयोग नहीं करता है तो उसके हालात खतरनाक से हो जाते हैं। अब ये इंसान चले जा रहा है, चले जा रहा है और केवल एक आध बार वो मन ही मन सोच रहा है कि बहुत ठंड है, इतनी ज्यादा ठंड उसने कभी महसूस नहीं की है। As he walked along, he rubbed his face and nose with the back of his mitten hand. जैसे जैसे वो चल रहा था, वो अपने हाथ के दस्तानों से अपने चेहरे और अपनी नाक को रगड़ रहा था ताकि वो जम ना जाए। He did this without thinking, frequently changing hands. बिना सोचे समझे अपने चेहरे और अपनी नाक का तापमान बढ़ाने के लिए वो रगड़े जा रहा था।
पहले एक हाथ का उपयोग करता और फिर दूसरे हाथ का. But with all this rubbing, but with all his rubbing, the instant he stopped, his face and nose became numb. दोस्तों, जब हम चलते रहते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी चलता रहता है. When we are moving, our blood circulation is also faster. तो ऐसा ही कुछ हो रहा था. ये चले जा रहा है. लेकिन जैसे ही वो रुकता था, उसके चेहरे से और उसके नाक से सारी सेंसिटिविटी चली जाती थी. कहने का मतलब, इतनी तीव्र ठंड की वजह से उसके चेहरे का खून बार बार जम जाता था. His face would surely be frozen. He knew that and he was sorry that he had not worn the sort of nose guard, but wore when it was cold. दो तीन बार उसका फेस और उसका नोज नंब पड़ चुका था. काफी बार ऐसा हो चुका था और उसने यह अनुमान लगा लिया था कि अगर वो रुका तो उसका चेहरा सुनिश्चित रूप से जम जाएगा. अब दोस्तों, यहां पे एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है. हालांकि इसका कोई और मेंशन नहीं है चैप्टर में, और कैरेक्टर का नाम है बड. होगा इस इंसान का दोस्त जिसने एक आध बार इस इंसान के साथ सैर की होगी, और सैर करते वक्त उसने नोज गार्ड पहना होगा. तो अब ये इंसान उसके दोस्त बड को याद करते हुए सोच रहा है कि काश मैंने एक नोज गार्ड पहना होता. मैंने नोज गार्ड क्यों नहीं पहना? मन ही मन उसे इस बात का दुख हो रहा था. सच गार्ड पासेस और पास अक्रॉस द नोज एंड कवर द एंटायर फेस. ये जो नोज गार्ड था वह लगभग पूरे चेहरे को ठंड से सुरक्षित रखता था. But it did not matter much, he decided. What was a little frost? A bit of painful thing. A bit painful, that was all. It was never serious. पहले उसे दुख हुआ और वो कुछ क्षणों के लिए विलाप करता रहा, दुखी होता रहा, और फिर उसने सोचा, क्या फर्क पड़ता है? थोड़ी सी ठंड ही तो है. मुझे मेरे चेहरे पर थोड़ा बहुत चुभेगा. इससे ज्यादा क्या होगा? यह कोई गंभीर बात नहीं है. मुझे निश्चिंत रहना चाहिए. Empty as the man's mind was of thoughts, he was most observant. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जब कुछ ऑब्जर्व करते हो, किसी चीज का अवलोकन करते हो, तो आपके विचार बंद हो जाते हैं. और अगर आप मान लो किसी पार्क में किसी बेंच पर बैठ के कुछ सोचते हो, कुछ गहरी सोच में पड़ जाते हो, तो क्या होता है? आपके सामने जो कुछ भी हुआ उस पर आपका ध्यान नहीं रहता. तो यहां पे ऑथर ने लिखा है कि as a man's mind was of thoughts, दिमाग खाली था, कल्पना शक्ति थी ही नहीं, वो कुछ ज्यादा सोच ही नहीं पा रहा था. तो दूसरी तरफ क्या था, इस इंसान की अवलोकन शक्ति, ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ही स्ट्रांग था. He noticed the changes in the creek, the curves and the bends. उस खाड़ी में जिसके ऊपर वो चल रहा था, उसमें कुछ बदलाव आ रहे थे. कुछ जगह पे मोड़ आते थे, कुछ जगहों पे झुकाव आते थे. And always he noted where he placed his feet. अब जरा सोचिए, जो एक वक्त बहता हुआ पानी था, वो तीव्र ठंड की वजह से बर्फ बन चुका है. अब ऐसी ही बर्फ के ऊपर ये इंसान चल रहा है. अब क्योंकि वो सोच नहीं पा रहा है, तो उसकी अवलोकन शक्ति बहुत तेज है. और चलते वक्त वो किस चीज का ध्यान रख रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना कदम आगे रखे और वो बर्फ पतली सी हो और वो बर्फ की परत से नीचे पानी में चला जाए. इसलिए वो अपने पैरों से पहले चेक करता था कि बर्फ की परत मजबूत तो है, उसके बाद ही वो आगे बढ़ता था. Once coming around a bend, he moved suddenly to the side like a frightened horse. एक बार जब वो आगे बढ़ रहा था, जहां पे एक मोड़ थी, वो अचानक से एक डरे हुए घोड़े की तरह किनारे पर चला गया. He curved away from the place where he had been walking and retraced his steps several feet along the trail. उसने महसूस किया कि जिस रास्ते पे वो जा रहा था, वहां पर बर्फ की परत कुछ नाजुक सी थी, इसलिए वो तुरंत किनारे पर चला गया और उसी रास्ते पर काफी कदम पीछे चला गया. He knew the creek was frozen to the bottom. उसको पता था कि यह छोटी सी नदी जिसके ऊपर वो चल रहा था, वो पूरी तरह से जम चुकी है, पूरी तरह से बर्फ बन चुकी थी. No creek would contain water in that winter. और इतनी ठंड में यह असंभव है कि एक छोटी सी नदी में पानी देखने को मिले. यह इम्पॉसिबल था कि नदी का पानी बर्फ में तब्दील ना हुआ हो. But he knew also that there was stream
or they were streams of water that came out from the hillsides and ran along under the snow and on top of the ice of the creek. वो यह जानता था कि कुछ ढलानें ऐसी थी जहां पे पानी की धाराएं पाई जाती थी और वही धाराएं इस बर्फ की परत से नीचे होकर के बहती थी और परत के ऊपर से यानी कि बर्फ के नीचे और बर्फ की सड़क के ऊपर से होते हुए. He knew that even the coldest weather, these streams were never frozen, and he also knew their danger. यहां पर दोस्तों इस इंसान को दो चीजें पता है. पहली ये कि इतनी तीव्र ठंड में पानी देख पाना या खोज पाना मुश्किल है और नंबर दो कि कुछ ढलानें ऐसी थी कुछ हिल्स ऐसी थी जहां पे बर्फ के पिघलने की वजह से पानी की धाराएं बहती थी और इन धाराओं पर ठंडी का असर कभी नहीं होता था और यह इंसान बखूबी जानता था कि ऐसी धाराएं कितनी खतरनाक होती है. They hit pools of water under the snow that might be 3 inches deep or 3 feet. वह जानता था कि बर्फ के नीचे, बर्फ की परत के नीचे, जिसके ऊपर वो कई समय से चल रहा था, ढेर सारा पानी था. वह जानता था कि बर्फीले रास्ते के नीचे ढेर सारा पानी था, और वो 3 inches भी गहरा हो सकता है और 3 feet भी. कहने का मतलब ये है कि वह जानता था कि बर्फीले रास्ते के नीचे पानी था. Sometimes a skin of ice, half an inch thick, covered them, and in turn was covered by the snow. कभी-कभार ऐसा होता था कि इसी पानी के ऊपर एक मोटी सी बर्फ की परत होती थी और उस परत के ऊपर गिरी हुई बर्फ का ढेरा होता था. Sometimes there was both water and thin ice, and when a man broke through, he could get very wet. कभी-कभार ऐसा भी होता था कि एक पतली सी बर्फ की परत होती थी और उसके नीचे पानी होता था और यह इंसान जानता है कि अगर मैंने किसी ऐसी जगह पर पैर रख दिया जहां पे बर्फ की परत पतली सी है तो वो परत टूट सकती है और वो पानी में डूब सकता है. That was why he had jumped away so suddenly. अब हमें समझ में आ रहा है कि यह इंसान एक घबराए हुए घोड़े की तरह किनारे तक क्यों चला गया. इस इंसान ने अचानक छलांग क्यों लगाई थी. He had felt the ice move under his feet. उसने ये महसूस किया था कि बर्फ की परत जिसके ऊपर वो चल रहा था वो हिल रही थी. He had also heard the noise of the snow-covered ice skin breaking. वो चौकन्ना रहता था और उसने बर्फ की परत के टूटने की आवाज सुनी थी. And to get his feet wet in such a temperature meant trouble and danger. अब दोस्तों जरा सोचिए, आपकी सांसें जब नाक से बाहर आ रही है जो उसमें मॉइस्चर है वो तुरंत बर्फ बन रहा है, आपने अगर पानी पिया और अगर आपने इतनी ठंड में एक पिचकारी लगाई तो वो जमीन पर गिरने से पहले बर्फ बन रही है, आपका नाक और चेहरा अपने आप जम रहा है, तो अगर इतनी तीव्र ठंड में अगर आप पानी में गिर गए तो आपके क्या हाल होंगे. कुछ ऐसा ही सोचा ये इंसान ने. उसने सोचा कि अगर मैं इतनी ठंड में पानी में डूब गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी खतरे वाली बात बन जाएगी क्योंकि मेरे शरीर का जो भी अंग पानी में डूबा होगा वो तुरंत कुछ ही क्षणों में जम जाएगा. And to get his feet wet in such a temperature meant trouble and danger. At the very least it meant delay because he would be forced to stop and build a fire. उसने सोचा कि अगर मेरे पैर गीले हो गए इतने कम टेम्परेचर में तो खतरा हो सकता है. फिर उसने सोचा अपने जो थिंकिंग पावर है, अपनी कल्पना शक्ति है, उसका उपयोग करते हुए, और हमें पता है कि वो बिल्कुल कल्पनाहीन है. उसने क्या सोचा, मेरी अगर फीट अगर मेरे पैर गीले हुए तो मुझे शाम में लौटने में देरी हो जाएगी. इस इंसान ने सोचा कि अगर मेरा शरीर गीला हो गया तो मुझे वहीं पे बैठकर अग्नि का निर्माण करना होगा और वहीं पे रुक जाना पड़ेगा. उसने ये नहीं सोचा कि शरीर का अगर कोई हिस्सा जम जाता है तो कितनी तकलीफ हो सकती है. Only under its protection could he bare his feet while he dried his socks and moccasins. उस अग्नि के पास ही और उस अग्नि की सुरक्षा में ही वह अपने सॉक्स, अपने दस्ताने और अपने moccasins. दोस्तों moccasin क्या होता है? इनको हम moccasins कहते हैं. एक प्रकार के जूते हैं ये. तो उसका thought process क्या है कि अगर एक पतली सी परत पे, पतली सी बर्फ पे मेरा पैर पड़ा
और अगर इसके नीचे पानी रहा तो मेरे पैर गीले हो जाएंगे, और अगर गीले हो गए तो मुझे अग्नि का निर्माण करना होगा, और इस अग्नि के पास मुझे मेरे सॉक्स, मेरे जूते सब सुखाने पड़ेंगे, और यही चक्कर में मुझे देरी हो जाएगी। He stood and studied the creek bottom and its banks. वो एक ही जगह पे खड़ा हो गया और उस खाड़ी का निचले हिस्से को वो देखने लगा और उसके किनारों का अध्ययन करने लगा। He decided that the flowing stream of water came from the right side. अपने ऑब्जर्वेशन पावर से वह इस नतीजे पर पहुंचा कि बहती हुई धाराएं दाईं ओर से आ रही है। He thought a while, rubbing his nose and face. कुछ सेकेंड्स के लिए वो खड़ा था और इतने में उसकी नाक और उसका चेहरा वापस जम गया, इसलिए वापस उसने अपने दस्तानों से उनको रगड़ा। Then he walked to the left. फिर वो बाईं ओर चलने लगा। He stepped carefully and tested the ice at each step. बड़ी ही सावधानी से वो अपने कदमों को नीचे रख रहा था और चलते चलते बर्फ की परत का परीक्षण भी कर रहा था। During the next 2 hours, he came to several similar dangers. दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हो एक ऐसी जगह जहां पर टेम्परेचर माइनस में है, माइनस 50 से भी नीचे, जहां पर कोई इंसान एक महीने से नहीं आया होता है, जहां पर आप अगर चीखो तो सुनने वाला भी कोई नहीं है। तो कुछ ऐसी ही जगह पर इस इंसान ने ट्रैकिंग करने का निर्णय लिया है। ना उसके पास ज्यादा सामान है और ना ही तैयारी। तो यहां पे लिखा है कि जैसे एक बार उसको बर्फ की परत के टूटने की आवाज आई और उसने तुरंत किनारे की ओर छलांग लगाई, ऐसी ही बहुत सारी घटनाएं अगले 2 घंटे में भी आई थी। ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा उसे, कुछ ऐसी घटनाएं जिसमें अगर सावधानी नहीं बरती तो मौत हो सकती थी। यूजुअली द स्नो अबव द पूल्स हैड संकन अपीयरेंस। अगर एक बर्फ की परत है और अगर इसके नीचे पानी है तो बर्फ की परत में ढलान हो जाती थी। However, once again he came near to the falling through the ice. फिर से एक बार ऐसा हुआ कि पतली सी बर्फ की परत उसके सामने थी और उसका लगा कि अगर मैंने यहां पे कदम रखा तो मैं नीचे जाऊंगा, और वो भी पानी में। उसको पता था कि बर्फ के नीचे पानी हो सकता है। On sensing danger, he made the dog go ahead. उसको लगा कि यहां पे अगर मैंने कदम रखा तो गड़बड़ी हो सकती है, क्यों ना मैं इस कुत्ते को पहले भेजूं। तो उसने उस कुत्ते को पहले भेजा। The dog did not want to go. इस कुत्ते को तो पहले से ही पता है कि अकेले इतने तीव्र वातावरण में इस जगह पे नहीं आना चाहिए था। ये कुत्ता बखूबी जानता है। It hesitated until the man pushed it forward. Now, this is mother nature. और कुदरत ने हर एक प्राणी को अपने सर्वाइवल के लिए काफी समझ दी होती है। कुत्ता काफी हिचकिचाया, लेकिन उस इंसान ने उसके साथ जबरदस्ती की और आगे धकेल दिया। अब कुत्ते को इस बात का पूरा अंदाजा था कि अगर वो उस परत से धीरे धीरे चला तो शायद परत टूट सकती है, इसलिए उस कुत्ते ने दौड़ लगाई और तुरंत ही पतली सी परत के उस पार चला गया। Suddenly it fell through the ice but climbed out on the other side which was firm. बेचारा फिर भी उस पतली सी परत का शिकार बन गया। वो तेजी से चला लेकिन फिर भी एक जगह पर वो बर्फ टूट गई और उसका आधा शरीर बर्फ में होते हुए बर्फ के नीचे जो पानी था उसमें डूब गया, लेकिन वो तुरंत बाहर चढ़ के आ गया दूसरी तरफ जहां पर बर्फ की परत थोड़ी सी दृढ़ थी। इट हैड वेट इट्स फीट एंड लेग्स। बेचारा गीला हो चुका था। ऑलमोस्ट इमीडिएटली द वाटर ऑन देम टर्न टू आइस। ये तो हमें पता है कि अगर शरीर का कोई भी हिस्सा इतनी तीव्र ठंड में पानी में डूब जाता है तो वो पानी को बर्फ बनने में ज्यादा देर नहीं लगती, कुछ सेकंड्स लगते हैं। द डॉग हैड मेड और द डॉग मेड क्विक एफर्ट्स टू गेट द आइस ऑफ इट्स लेग। उस कुत्ते ने पूरी कोशिश की कि बर्फ उसके शरीर से, उसके पैरों से निकल जाए। उसने बहुत मेहनत की। देन इट ले डाउन इन द स्नो एंड बिगन टू बाइट आउट द आइस दैट हैड फॉर्म्ड बिटवीन द टोज। उस कुत्ते की पैरों की जो उंगलियां हैं उसके बीच भी बर्फ जम चुकी थी, तो उस कुत्ते ने उस बर्फ को काट काट करके निकालने की कोशिश की। The animal knew enough to do this. To permit the ice to remain would mean sore feet. उसको भगवान ने इंटेलिजेंस नहीं दिया है, उसको नहीं पता कि -50, -75 क्या होता है, लेकिन ये कुदरत का वरदान है, ये नेचर का गिफ्ट है।
एक समझ होती है हर प्राणी में, और उसी के हिसाब से, उसी के निर्देश से ये कुत्ता बर्फ को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से निकालने लगा। और कुत्ता यह भी जानता था कि अगर बर्फ को उसने तुरंत नहीं निकाला तो उसके पैर सुन्न पड़ सकते हैं। यह किसी ने उसे पढ़ाया नहीं था, यह केवल उन आज्ञाओं का पालन कर रहा था जो उसके होने के सबसे गहरे हिस्से से उत्पन्न हुई थी। But the man knew these things, have learned them from experience. But the man knew these things, having learned them from experience. अब यह तो एक इंसान है और उसने अनुभव से सीखा था कि अगर पतली परत है तो पहले उसकी जांच करो, उसके बाद ही उसके ऊपर कदम रखो। किसी ने उसको पढ़ाया होगा, उसने अनुभव भी किया होगा। He removed the mitten from his right hand and helped the dog tear out the pieces of ice. उसने हाथों का दस्ताना निकाला, अपने दाएं हाथ का दस्ताना निकालकर तुरंत उस कुत्ते के शरीर पर जमी हुई बर्फ को निकालने में लग गया। He did not bare his fingers more than a minute and was surprised to find that they were numb. दस्ताने को निकाले हुए एक मिनट भी नहीं हुआ था और उसे इस बात का आश्चर्य हुआ कि उसकी उंगलियां, उसकी राइट हैंड की फिंगर्स नंब पड़ चुकी थी, सारी सेंसिटिविटी खत्म हो चुकी थी कुछ ही सेकंड्स में। It certainly was cold. He pulled on the mitten quickly and beat the hand across his breast. फिर से उसने सोचा, हाँ यार ठंड तो बहुत है, और तुरंत ही दस्ताना पहन लिया और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए अपने हाथों को, अपनी उंगलियों को छाती पर पीटने लगा। At 12 o'clock the day was at its brightest. 12 बजे सूर्य कहाँ होता है? अपने सर के बिल्कुल ऊपर, perpendicular to our head, and therefore the day is brightest. रोशनी बहुत होती है, तो इस वक्त 12 बज रहे थे। Yet the sun did not appear in the sky. कुछ unpredictable, कुछ असाधारण वातावरण था। 12 बजने के बावजूद सूरज ही नहीं दिख रहा था। At 12:30 on the minute he arrived at the divide of the creek. उस छोटी सी जमी हुई नदी का जहां पर विभाजन हो रहा था, वो उसकी योजना के हिसाब से 12:30 बजे पहुंच चुका था, और मन ही मन बहुत खुश हुआ कि उसका प्लान सक्सेसफुल हुआ। उसने सोचा था कि 12:30 बजे वो इस विभाजित एरिया तक पहुंचेगा, और वो पहुंच चुका था। इफ ही कंटिन्यूड ही वुड सर्टनली बी विद द बॉयज बाय 6 o'clock दैट इवनिंग। काफी खतरों का सामना करने के बाद, काफी ऐसे हालातों का सामना करने के बाद, वो अपने निर्धारित स्थान पहुंच चुका था, और खुश होते हुए उसने ये सोचा कि अगर इसी स्पीड से मैं चलता गया तो मैं 6 बजे तक कैंप तक वापस पहुंच ही जाऊंगा। He unbuttoned his jacket and shirt and pulled forth his lunch. अब समय था दोपहर का खाना खाने का, और खाना कहां पे रखा था? जैकेट के अंदर नहीं, जैकेट के अंदर जो शर्ट पहनी थी उसके अंदर, और वो भी लपेटा हुआ था ताकि वो बर्फ में जम ना जाए। तो यही जो लंच है उसने बाहर निकाला। The action took no more than a quarter of a minute, yet in that brief moment the numbness touched his bare fingers. Quarter of a minute का मतलब 1 मिनट का चौथाई, 1/4 of a minute. 1 minute equal to 60 seconds, divide that by 4. यानी कि सिर्फ 15 seconds लगे उसको क्या करने में, वो पैकेज निकालने में, लेकिन इतने में उसने ये महसूस किया कि उसकी उंगलियां नंब पड़ चुकी थी, सुन हो चुकी थी, सर्कुलेशन बंद हो चुका था, खून जम गया था। He did not put the mitten on, but instead struck the fingers against his leg. उसने हैंड ग्लव्स पहनना ठीक नहीं समझा, वो अपनी उंगलियों को अपने पैरों से ठोकने लगा, पीटने लगा। और उसके बाद then he sat down on a snow covered log to eat. वहां पर एक वुडन लॉग पड़ा हुआ था जो ऑब्वियसली ये समझने की बात है कि वो बर्फ से ढका था, बर्फ में डूबा हुआ था, और इसी लॉग पर बैठ के वह खाना खाने की तैयारी करने लगा। The pain that followed the striking of his fingers against his leg ceased so quickly that he was frightened. क्या होता है जब बहुत ठंड लगती है तो आप काफी सारी चीजें करते हो, आप हैंड्स रब करते हो, आप ढेर सारी मूवमेंट्स करते हो। तो ये भाई साहब ने अपनी उंगलियों को अपने पैरों से ठोका, यह अज्यूम करते हुए कि ब्लड सर्कुलेशन तुरंत बढ़ जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। उंगलियों को ठोकने के बाद उसको दर्द हुआ, लेकिन वो दर्द भी कुछ ही क्षणों में चला गया था। और ऐसा क्यों? क्योंकि खून वापस जम चुका था, खून इतनी जल्दी जम गया था कि अब उसको डर लगा। He had not had time to take a bite of his lunch. अब ये वो पैकेज से निकाला हुआ खाना खाने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसने एक हाथ का दस्ताना निकाला, कुछ सेकंड्स में खून जम गया,
खून जमने के बाद उसने उंगलियों को अपने पैरों से ठोका, पीटना चालू कर दिया और वापस दस्ताने में डाल दी, वापस दस्ताना पहन लिया और फिर दूसरे हाथ का प्रयोग किया। Then he bare the other hand for the purpose of eating. ऐसा ही करता रहा, एक हाथ, फिर दूसरा हाथ, फिर दूसरा हाथ, फिर पहला हाथ। और इसीलिए he had not had time to take a bite from his lunch. एक निवाला नहीं ले पाया। वो अपने हाथों को गर्म ही करता रहा, गर्म करने के प्रयास करता रहा। He tried to take a mouthful, but the ice around his mouth prevented him. अब इस बंदे के पास खाना तैयार है, हाथ भी थोड़े बहुत गर्म हो चुके हैं, तो दुविधा क्या है? उसकी दाढ़ी पर इतनी बर्फ जम चुकी है उसकी नम सांसों की वजह से कि वो अपना मुंह ही नहीं खोल पा रहा। Then he knew what was wrong. He had forgotten to build a fire and warm himself. अब दोस्तों धीरे धीरे हम क्लाइमैक्स पर पहुंच रहे हैं। देखिए, बिल्ड अ फायर का प्रयोग किया जा रहा है बार बार। अब इसको पता चल गया कि क्या प्रॉब्लम थी, वो खाना क्यों नहीं खा पा रहा है, वो अग्नि का निर्माण करना भूल गया था। He had not built a fire. He laughed at his own foolishness. उसको लगा, अरे मैं यहां पे पहुंच चुका हूं और मैंने अग्नि नहीं लगाई और मैं खाना भी खाने लगा, मैं कितना मूर्ख हूं। यहां पे सरकैज़म का बहुत यूज किया गया है। Now he is not foolish because he forgot to build a fire. He is foolish because he is unable to imagine the dangers of severe climate. Writer या तो फिर author यही कहना चाहते हैं कि एक इंसान की कल्पना शक्ति उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। As he laughed, he noted the numbness in his bare fingers. अब वो खुद पे हंस रहा था और उसने हंसना खत्म किया तो ये महसूस किया कि उसकी उंगलियां वापस सुन्न पड़ गई थी। Also he noted that the feeling which had first come to his toes when he sat down was already passing away. हमारे शरीर में जब कोई चीज हमें स्पर्श करती है हमें महसूस होता है, ये जहर सी बात है। तो इस बंदे को भी जब वो नीचे बैठा तब उसने अपने पैरों में यह स्पर्श किया कि अब वो बैठ चुका है, लेकिन ये जो फीलिंग थी, द सेंस ऑफ टच, वो धीरे धीरे गायब हो चुकी थी। He wondered whether the toes were warm or whether they were numb. अब ये numbness कब फील होती है? Let's assume कि वेदर काफी अच्छा है, आपके शहर में, आपके घर में वेदर एकदम परफेक्ट है और आप एक कुर्सी पे बैठे हुए हो, तो क्या आपको अपने हाथों या पैरों की उपस्थिति की मौजूदगी महसूस होगी? नहीं, बिकॉज इट इज परफेक्टली फाइन। अपना बॉडी टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर के साथ इक्वल हो चुका है, इसलिए वी आर गुड, इसलिए हमें कुछ फील नहीं होता। तो अब ये कल्पनाहीन इंसान सोच रहा है कि क्या मेरी उंगलियां गर्म हो चुकी है या ये नंब हो चुकी है। He wondered whether the toes were warm or whether they were numb. He moved them inside the moccasins and decided that they were numb. जूतों के अंदर और भीतर में अपनी उंगलियों को सरकाया और वो इस नतीजे पर पहुंचा कि उसकी पैरों की उंगलियां भी सुन्न पड़ चुकी थी। He pulled the mitten on hurriedly and stood up. He was somewhat frightened. अब इस इंसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बेहद असमंजस में है। परिस्थिति को समझते हुए वो उठ खड़ा हुआ और तुरंत अपने दस्ताने वापस पहन लिए। उसको अब डर लगने लगा था कि मदर नेचर, ये प्रकृति, उसके साथ क्या कर रही थी। He stamped forcefully until the feeling returned to his feet. अपने पैरों को वो पटकने लगा ताकि उसमें खून वापस बहने लगे और वो सुन्न ना हो जाएं। ये आदमी ऊंची ऊंची छलांगे लगाने लगा, एक के बाद एक अपने पैर को जमीन पर पटकने लगा ताकि उनमें रक्त बहना वापस शुरू हो जाए और उसके अपने पैरों की मौजूदगी का महसूस हो। It certainly was cold, was his thought. इतना कुछ होने के बावजूद ये इंसान सोच रहा है कि हाँ, वाकई में बहुत ठंड है, मेरे पैर भी सुन्न पड़ गए, मेरे हाथ भी सुन्न पड़ गए, ठंडी तो बहुत है। That man from the Sulphur Creek had spoken the truth when telling how cold it sometimes got in this country. एक और खाड़ी थी जिसका नाम था सल्फर क्रीक, जिसको हम नदी का भी कहते हैं, छोटी नदी भी कहते हैं, या तो फिर खाड़ी कहते हैं। खाड़ी इज अ राइट वर्ड। अब ये बंदा वहां से गुजरा था और वहां पर एक और बंदा उसको मिला था जिससे बात हुई थी और उस बंदे ने कहा था कि कभी कभार हिंडरसन क्रीक पर टेम्परेचर, तापमान बहुत ही कम हो जाता है, -50 से भी नीचे हो जाता है। अब ये सब महसूस होने के बाद, इतनी कठोर परिस्थितियों को महसूस करने के बाद, इनका सामना करने के बाद, अब इस बंदे को उस इंसान की याद आने लगी कि कैसे उस इंसान ने इसको चेतावनी दी थी कि यहां पे मत जाइए, तापमान बहुत ही नीचे गिरने वाला है। एंड ही हैड लाफ्ड एट हिम एट दैट टाइम,
अब इस बंदे ने बिकॉज ऑफ हिज ओवर कॉन्फिडेंस, बिकॉज ऑफ हिज लैक ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का अभाव होने की वजह से इस बंदे ने उस इंसान को क्या रिएक्शन दिया? ऐसा थोड़ी ना होता है, देखा जाएगा। उस इंसान को जिसने चेतावनी दी थी, इस बंदे ने उसको उपेक्षित किया, निग्लेक्ट किया, इग्नोर किया और हंसने लगा उसके ऊपर और आगे बढ़ गया। That showed one must not be too sure of things. There was no mistake about it. It was cold. किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा निश्चित नहीं हो जाना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए। इसकी समझ इसको अब हो रही है और अब यह बंदा महसूस कर रहा है कि वाकई वो इंसान सच बोल रहा था। टेम्परेचर बहुत गिर चुका है और ठंड भी बढ़ चुकी है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, वो सच बोल रहा था। He walked a few steps, stamping his feet and waving his arms until reassured by the returning warmth. पागलों की तरह अपने हाथों को हिलाने लगा और अपने पैरों को पटकने लगा ताकि उनमें सर्कुलेशन बढ़ जाए। और काफी मशक्कत के बाद, काफी मेहनत करने के बाद, हाँ, सर्कुलेशन थोड़ा बहुत होने लगा था। हाथों में और पैरों में रक्त वापस बहने लगा था और उसको रक्त बहने की गर्मी थोड़ी सी महसूस होने लगी थी। Then he took some matches and proceeded to make a fire. In the bushes, the high water had left a supply of sticks. From here, he got wood for his fire. Working carefully from a small beginning, he soon had a roaring fire. अब उसकी योजना के हिसाब से धारा के विभाजन तक पहुंचना था, वहां पे आग लगानी थी और वहां पे बैठ के खाना खाना था। लेकिन ये बंदा आग लगाना ही भूल गया, अग्नि को प्रज्वलित करना ही भूल गया और खाना खाने लगा था। इतने में उसके हाथ सुन्न पड़ गए, पैर सुन्न पड़ गए और काफी मेहनत करनी पड़ी उनको वापस जिंदा करने में। अब सब कुछ ठीक था और इसी वजह से उसने माचिस निकाली और अग्नि प्रकट करने के लिए मेहनत करने लगा। हुआ यह था कि पानी का स्तर इससे पहले कि वो बर्फ बने बहुत ज्यादा था और इसी पानी में कुछ लकड़ियां तैर रही थी। जो झाड़ियां जमीन पर थी वो तैर करके ऊपर आ गई थी और इसीलिए इस बंदे को ढेर सारी लकड़ियां मिल चुकी थी। और अग्नि प्रकट करने के लिए, आग लगाने के लिए जो सामान चाहिए था, लकड़ियां, वो उसे भरपूर मिल गया था। ढेर सारी लकड़ियां उन झाड़ियों से मिल चुकी थी। एक छोटी सी शुरुआत से, सावधानी से काम करते हुए जल्दी ही उसके पास एक बड़ी सी आग लग चुकी थी। Bending over the fire, he first melted the ice from his face. क्योंकि उसके चेहरे पे दाढ़ी बड़ी हुई थी और दाढ़ी में बर्फ जमा हुआ था, तो सबसे पहले उसने अपनी दाढ़ी से बर्फ को हटाया। With the protection of the fire's warmth, he ate his lunch. अग्नि के पास बैठ के उसकी गर्माहट में उस इंसान ने अपना खाना खाया। एक आग और उसकी गर्मी इस इंसान को काफी सुरक्षित रख रही थी। तो दोस्तों, यहां पर आप देखो, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। एक इंसान जो कि ज्यादा कल्पना नहीं कर सकता, निकल पड़ा है -50 -75 डिग्री टेम्परेचर वाले एरिया में एक योजना लेकर, और योजना के हिसाब से ही सब कुछ जा रहा है। अब अग्नि भी लग चुकी थी, खाना भी हो चुका था और खाना खाने के बाद वापस जाना था। तो आइए देखते हैं क्या होता है। For the moment the cold had been forced away, the dog took comfort in the fire, lying at full length, close enough for warmth and far enough away to escape being burned. ऐसा लग रहा था मानो ठंड बिल्कुल दूर हो चुकी थी। इस अग्नि की छत्रछाया में कुछ क्षणों के लिए ऐसा लग रहा था कि ज्यादा ठंड थी ही नहीं। वो समझदार कुत्ता अग्नि के करीब बैठ गया, ज्यादा करीब भी नहीं, ज्यादा दूर भी नहीं, एक ऐसी जगह पर जहां पर उसको थोड़ी बहुत गर्माहट मिले। When the man had finished eating, he filled his pipe with tobacco and had a comfortable time with the smoke. ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, खाना खाने के बाद उनको एक सिगरेट चाहिए और तंबाकू चाहिए। तो इस इंसान ने भी वैसा ही किया, खाना हो चुका था और अब समय था तंबाकू खाने का और स्मोक करने का। सब कुछ आरामदायक लग रहा था। Then he pulled on his mitten, settled his cap firmly about his ears and started along the creek trail towards the left. उसने अपने दस्ताने वापस पहन लिए, अपनी टोपी से अपने कानों को ढक लिया और खाड़ी के बाईं ओर चल पड़ा। The dog was sorry to leave and looked toward the fire. ये कुत्ता सोच रहा था कि चलो अब आगे नहीं जाना है, इस अग्नि के पास ही बैठना है। लेकिन जब ये इंसान वापस चलने लगा तो इस कुत्ते को काफी बुरा लगा कि उसको इस आरामदायक अग्नि से दूर जाना पड़ेगा। This man did not know cold, possibly none of his ancestors has known cold, real cold.
अब ये कुत्ता क्या सोच रहा है? इस इंसान को -75 degrees, -50 का अंदाजा ही नहीं है। शायद इसने इतनी ठंड कभी महसूस ही नहीं की है। ये कैसे जा सकता है आगे? कैसे ठंड में वापस चल सकता है? अब कुत्ता ये ही सोच रहा है और ये भी सोच रहा है कि शायद इसके दादा परदादा किसी ने भी इतनी ठंड का अनुभव नहीं किया होगा और इसी वजह से इस इंसान को भी कल्पना नहीं है, थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं है कि इतनी ठंड में ट्रैकिंग करने के क्या खतरे होते हैं। But the dog knew and all its family knew. क्योंकि कुत्ता कैंप के पास ही रहता था तो वो जानता था कि बेहद ठंड क्या होती है और कुत्ते का फैमिली, कुत्ते के दादा परदादा सभी वहीं पर रहते थे तो इसलिए उनको बराबर पता था कि जब तापमान गिरता है तो कैसा दृश्य खड़ा हो जाता है, कैसी असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। एंड इट न्यू दैट इट वॉज नॉट अ गुड टाइम, इट वॉज नॉट गुड टू वॉक आउटसाइड इन सच फियरफुल कोल्ड। अब कुत्ता यह बखूबी जानता है कि इतनी ठंड में वापस नहीं जाना चाहिए। It was the time to lie in a hole in the snow and to wait for this awful cold to stop. प्राणियों को सहज ज्ञान होता है, common sense, जिसको हम स्वाभाविक बुद्धि कहते हैं। और common sense के हिसाब से इतनी ठंड में क्या करना चाहिए? ये कुत्ते को पता था। इतनी ठंड में या तो आपको रुकना चाहिए ताकि जब ठंड कम हो जाए तो आप वापस चल सको, और या तो फिर इस बर्फ में एक गड्ढा कर देना चाहिए और उसमें पड़े रहना चाहिए ताकि ठंडी हवाओं का सामना ना करना पड़ सके। There was no real bond between the dog and the man. The one was the slave of the other. कुत्ते के इशारों को ये इंसान समझ ही नहीं रहा है और ना ही कुत्ता उस इंसान के इरादों को समझ पा रहा है, इसलिए इनके बीच में कोई रिश्ता अभी तक नहीं बना है। क्योंकि कुत्ता बोल नहीं सकता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो वो इस इंसान का गुलाम है। जहां पे वो इंसान जाएगा, इस कुत्ते को उस इंसान को फॉलो करना है। The dog made no effort to indicate its fear to the man. It was not concerned with the well-being of the man. ये कुत्ता कितना डरा हुआ था, इसके संकेत देने की इस कुत्ते ने कोशिश नहीं की। और ऐसा क्यों? क्योंकि वास्तविक में इस कुत्ते को पड़ी ही नहीं थी कि वो इंसान जिए या मरे, क्योंकि वो अभी तक जान चुका था कि इस इंसान को अंदाजा नहीं है, ये इंसान बुद्धिहीन है, एंड दिस पर्सन इज विदाउट एनी फोरसाइट। तो कुत्ते ने सोचा कि मैं इशारों से समझाकर इसे क्या बताऊं, ये इंसान समझ ही नहीं रहा है। इट वॉज फॉर इट्स ओन सेक दैट इट लुक्ड टुवर्ड द फायर। अब यहां पर उस इंसान की जान की परवाह नहीं है इस कुत्ते को, उस कुत्ते को अपनी परवाह होने लगी, अपनी चिंता होने लगी और बुरा लगने लगा कि इतनी प्यारी सी अग्नि को छोड़ के मैं क्यों जा रहा हूं वापस उस डरावनी ठंड में। But the man whistled and spoke to it with a sound of the whip in his voice. अब ये जो इंसान है वो बिंदास है, उसको चिंता ही नहीं हो रही। उसने आराम से खाना खाया, उसने तंबाकू खाया, स्मोकिंग करते हुए सीटियां बजा रहा है और कुत्ते को आदेश दे रहा है, वो भी कठोर आवाज में। So the dog started walking close to the man's heels and followed him along the trail. उस इंसान की एड़ी का पीछा करते हुए, यानी का मतलब है उस इंसान के पीछे पीछे बहुत ही नजदीक रहकर ये कुत्ता उसको फॉलो करने लगा, उसके पीछे चलने लगा। The man put more tobacco in his mouth and started a new growth of yellow eyes on his face. जैसे पहले हुआ था, मुंह में वापस वो तंबाकू चबा रहा है, तंबाकू से रस निकल रहा है, लेकिन अभी वापस ठंड बढ़ चुकी है, वापस ठंडी हवा का सामना करना पड़ रहा है और इसलिए जो रस है वो मुंह से निकलते हुए दाढ़ी में आ चुका है और वो वापस पीला बर्फ बन चुका है। Again his moist breath quickly powdered the hair on his face with white. उस इंसान की सांसों में जो नमी है उसकी वजह से उसकी दाढ़ी में वापस बर्फ बनना शुरू हो चुका था। He looked around him. उसने अपने चारों ओर देखा। There did not seem to be so many pools of water under the snow on the left side of Henderson Creek, and for half an hour the man saw no signs of any. अब हमें पता है कि इस इंसान में कल्पना शक्ति का पूरा अभाव है, लेकिन अवलोकन शक्ति बहुत तेज है। वो देख रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है, और उसने क्या नोटिस किया कि पूल्स ऑफ वाटर अब चारों ओर इर्द गिर्द पानी नहीं भरा था, कहीं भी बर्फ की परत के नीचे पानी के कुंड के होने की संभावना बहुत कम थी, ना के बराबर थी। और आधे घंटे तक इस इंसान ने हेंडरसन क्रीक की बाई ओर देखा और अब
उसे यह पता लग चुका था कि पानी के कुंड के होने का कोई संकेत नहीं है. एंड देन इट हैपेंड एट अ प्लेस वेयर देयर वाज नो साइंस द मैन ब्रोक थ्रू. इट वाज नॉट डीप, ही वाज वेट टू द नीज बिफोर ही गॉट आउट ऑफ द वाटर टू द फर्म स्नो. और तभी बिल्कुल वैसा हुआ जो उसने कभी नहीं सोचा था, जिसका अंदाजा ही नहीं था उसको. वही हुआ जिस बात का डर था. जहां पे उसको लग रहा था कि पानी के कुंड या तो फिर पानी भरा हुआ नहीं हो सकता, उसी जगह पर बर्फ की परत टूट गई और यह बंदा गया नीचे और उसके पैर घुटने तक गीले हो चुके थे. इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए और कोशिश करे कि वो गीला ना हो, पानी घुटनों तक आ चुका था और उस इंसान को गीला कर चुका था. और किसी ना किसी तरह से वो उस दृढ़ हिमपात फर्म स्नो से बाहर आ गया. जिसका डर था वही हुआ. He was angry and cursed his luck aloud. गालियां देने लगा, गुस्से में चिल्लाने लगा. धत, ये मेरे ही नसीब में होना था, ये मेरे साथ क्यों हुआ? He had hoped to get into the camp with the boys at 6 o'clock and this would delay him an hour. उसके प्लान के हिसाब से उसको आशा थी कि वो शाम के 6 बजे तक लड़कों के पास पहुंच जाएगा, कैंप तक पहुंच जाएगा. लेकिन अब क्योंकि वो गीला हो चुका है, उसको सुखाते सुखाते 1 घंटा और वेस्ट हो जाएगा और शायद अब वो 6 बजे लड़कों के पास और कैंप के पास नहीं पहुंच पाएगा. इस बात का उसे बहुत दुख था और खेद था. Now he would have to build a fire and dry his moccasins and socks. This was most important at that low temperature. He knew that much. अब गीले पैरों से तो चल नहीं सकते, इनको सुखाने पड़ेंगे. सुखाने के बाद ही चला जा सकता था. तो उसको इस बात का पता था कि इनको सुखाने के लिए वापस अग्नि को प्रज्वलित करना पड़ेगा, अग्नि प्रकट करनी पड़ेगी और अपने दस्ताने और सॉक्स को, अपने जूतों को सुखाना पड़ेगा और इसके बाद ही चला जा सकता था. एटलीस्ट उसको इतनी समझ थी. वो सोच रहा था कि जब टेम्परेचर बहुत लो होता है और जब आप गीले हो जाते हो तो आपको अग्नि के पास चीजों को सुखाना है, इतना उसको पता था. सो ही टर्न असाइड टू द बैंक विच ही क्लाइम्ड. On top, under several small pine trees, he found some firewood which had been carried there by the high water of the last year. अब वो पलट के एक किनारे के पास चला गया, जिस किनारे पर वो चढ़ाई कर रहा था. अब कुछ छोटे से देवदार पेड़ों के नीचे उसे कुछ जलाऊ लकड़ियां मिल गई, जो कि पिछले साल के उच्च पानी द्वारा वहां ले जाई गई थी. There were some sticks, but also larger branches and some dry grass. वहां पर उसने देखा कि कुछ छड़ियां थी, कुछ बड़ी शाखाएं और कुछ सूखी घास. He threw several large branches on top of the snow. उसने बर्फ के ऊपर ही कई बड़ी शाखाओं को फेंका. This served for a foundation and prevented the young flame from dying in the wet snow. ऐसा करने से क्या हुआ? गीली बर्फ में उस छोटी सी अग्नि की लौ को सुरक्षा मिल चुकी थी. उस छोटी सी लौ का बुझना नामुमकिन सा था, क्योंकि एक फाउंडेशन बन चुका था, एक आधार बन चुका था जिसके ऊपर अग्नि आराम से प्रकट हो सके. He made a flame by touching a match to a small piece of tree bark that he took from his pocket. इस बंदे ने अपनी जेब में एक पेड़ की छोटी सी छाल को संभाल के रखा था और उसके ऊपर उसने माचिस की तीली को मारा. उसने देखा कि यह कागज से भी बेहतर जलने लगा. Placing it on the foundation, he fed the young flame with pieces of dry grass and with the smallest dry sticks. उस आधार पर रखते हुए उसने उस छोटी सी लौ को सूखी घास के टुकड़ों और सबसे छोटी सूखी छड़ियों के साथ लगा दिया. दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे हो और इमेजिन कर पा रहे हो, क्योंकि यह चैप्टर का क्लाइमैक्स है. He worked slowly and carefully, realizing his danger. Gradually, as the flame grew stronger, he increased the size of the sticks with which he fed it. अपने खतरे को महसूस करते हुए धीरे और बड़ी ही सावधानी से काम किया. धीरे धीरे जैसे आग बढ़ती गई, उसने और भी छड़ियां उसके अंदर डाली और वो कुछ ना कुछ उसमें डालता ही गया, सूखी घास, छड़ियां, क्योंकि उसको अपने पैरों को नर्म करना था, नहीं तो वो बर्फ बन जाएंगे, फिर वो चल कैसे पाएगा. इसलिए वो बड़ी से बड़ी अग्नि को प्रकट करने में जुटा हुआ था. He sat in the snow, pulling the sticks from the bushes under the tree and feeding them directly to the flame. वो बर्फ में बैठ गया पेड़ों के नीचे और उसने क्या काम किया? पेड़ के नीचे झाड़ियां थी और झाड़ियों में से छड़ी खींचने लगा, लकड़ियां तोड़ने लगा और डायरेक्टली उसको अग्नि में डालने लगा. He knew he must not fail.
उसको ये पता था कि अब कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, अब अनहोनी नहीं होनी चाहिए। With 75 below zero, when it is 75 below zero, a man must not fail in his first attempt to build a fire. उसको क्या जनरल नॉलेज थी? उसको ये पता था कि जब टेम्परेचर -75 डिग्री हो तो अग्नि प्रकट करने के प्रयास में कभी असफल नहीं होना है, इसलिए वो अपना 100% लगा रहा है। This is especially true if his feet are wet. प्रयास करने में असफल कब नहीं होना है? तब नहीं होना है जब आप गीले हो चुके हो, जब आपके शरीर का कोई हिस्सा गीला हो चुका हो, तब आपको असफल नहीं होना है। कुछ भी करके आपको अग्नि प्रकट करनी ही है। If his feet are dry and he fails, he can run along the trail for half a mile to keep his blood moving. फिलहाल तो पैर गीले थे, तो उसने सोचा कि अगर मेरे पैर सूख गए, अगर पानी निकल गया, तो हाफ माइल तक, यानी कि करीबन 1 किलोमीटर, 0.8 किलोमीटर, वो भाग सकता था। भागने से क्या होगा? सर्कुलेशन चलता रहेगा और उसके पैर गर्म रहेंगे। उसने सोचा कि अगर अग्नि प्रकट करने में वो असफल रहा और उस वक्त उसके पैर अगर सूख गए, तो वो भाग सकता था, रक्त के बहाव को, ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रख सकता था। But the blood in the wet and freezing feet cannot be kept moving by running when it is 75 degrees below. No matter how fast he runs, the wet feet will freeze even harder. आप सोच सकते हो बर्फ की परत और उसके ऊपर ढेर सारा बर्फ जो कि स्नोफॉल की वजह से जमा हुआ है। अब इस बंदे की योजना के हिसाब से ब्लड सर्कुलेशन बनाए रखने के लिए अगर आप ऐसे सिचुएशन में भागते हो तो कोई फायदा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब -75 डिग्रीज होता है और अगर आप भागना शुरू करते हो तो आपके पैर और भी फ्रोजन हो जाएंगे, और भी ठंडे पड़ जाएंगे। ये भागने वाला प्लान यहाँ पे नहीं काम कर सकता। चाहे वो कितना भी फास्ट भागे, नंगे पैर, उसके गीले पैर और भी कठिन हो जाएंगे। ऑल दिस द मैन न्यू। अब देखिए, जब सिचुएशन खराब होती है तो आपका दिमाग तेज काम करने लगता है। एसकॉम साइंस में फ्लाइट और फाइट, फाइट और फ्लाइट कहते हैं। एड्रेनलिन रश होता है, आपका दिमाग तेजी से काम करने लगता है। अब एक ऐसी सुनसान और खतरनाक जगह पर ये बंदा फंसा हुआ है, और इतना ही नहीं, उसके पैर गीले हो चुके हैं, और गीले पैरों को फ्रोजन होने में कुछ सेकंड्स लग सकते हैं। 15 सेकंड्स में वो पूरी तरह से बर्फ बन सकते हैं। अब इसलिए वो सोच रहा है, अगर मैं भागने लगा तो क्या होगा, अगर मैं अग्नि प्रकट नहीं कर पाया तो क्या होगा। तो ये सारी बातें अब उसको पता लग चुकी थी। The old man on the sulfur creek had told him about it, and now he was grateful for his advice. Already all feeling had gone from his feet. उस वक्त जब उस बंदे ने, जो कि सल्फर क्रीक पे खड़ा था और जिसने इसको एडवाइस दी थी, उस वक्त इस इंसान को हंसी आई थी, और जब सिचुएशन हाथ से निकल रहे हैं तब उसको रिग्रेट नहीं हो रहा, तब उसको ग्रेटफुल फील हो रहा है। थैंक यू कि यार तूने मुझे बताया कि ठंड बढ़ सकती है और ये सब चीजों का सामना मुझे करना पड़ सकता है। अब ये इंसान ये सब सोच ही रहा है कि उसके पैरों से जो फीलिंग्स होती है वो चली जाती है, अपने पैरों को वो महसूस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि द ब्लड हैज फ्रोजन। पैरों से सारी भावनाएं उड़ जाती है, निकल जाती है, सुन्न पड़ जाती है। टू बिल्ड द फायर ही हैड बीन फोर्स्ड टू रिमूव हिज मिटन्स एंड द फिंगर्स हैड क्विकली बिकम नंब। आग लगाने के लिए, आग जलाने के लिए दस्तानों को निकालना बहुत जरूरी था, तभी तो वो तीली को उस पेड़ की छाल के साथ अच्छी तरह से रगड़ सकता था। तो दस्ताने निकालने पड़े थे, और जैसे ही उसने अपने हाथों के दस्ताने निकाले, क्या हुआ? केवल 15 सेकंड्स में, और उससे भी कम समय में उसकी उंगलियां भी अब सुन्न पड़ने लगी थी, सारी फीलिंग्स निकल चुकी थी, वो अपने हाथों को, अपनी उंगलियों को महसूस नहीं कर पा रहा था। His pace of 4 miles an hour had kept his heart pushing the blood to all parts of his body. हमें पता है वो किस स्पीड से जा रहा था? 4 miles an hour, एक घंटे में वो 4 मीलों का डिस्टेंस कवर कर रहा था। और क्या होता है जब आप दौड़ लगाते हो और जब आप बैठ जाते हो, तो खून का जो सर्कुलेशन है वो कुछ समय के लिए चलता रहता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज रहता है, आपकी धड़कनें बढ़ी हुई रहती है। तो कुछ ऐसे ही हालात है यहाँ पर भी। अब ये इंसान अंदाजा लगा रहा था और निश्चित था कि भैया यहाँ पे पानी नहीं हो सकता, और उसी जगह वो उस बर्फ की परत के नीचे जा गिरता है। कुछ ही क्षणों में उसके पैर सुन्न हो जाते हैं, अग्नि प्रकट करते करते उसके हाथ सुन्न हो जाते हैं, लेकिन वो क्या चीज है जो उसको अभी भी जिंदा रख रही है? दैट स्पीड जिससे वो चल रहा था,
ब्लड सर्कुलेशन अभी भी फास्ट है. बट द इंस्टेंस ही स्टॉप्ड द एक्शन ऑफ द हार्ट स्लो डाउन. अब उसको यहां पे रुकना पड़ रहा है और इसीलिए दिल की जो धड़कने हैं वो नॉर्मल हो रही है और धीरे धीरे कम हो रही है. ही नाउ रिसीव्ड द फुल फोर्स ऑफ द कोल्ड. अगर वो चलता रहता तो ठंड थोड़ी सी कम लगती कंपैरेटिवली, लेकिन क्योंकि अभी वो रुक गया है, -75 डिग्री का एहसास उसे बखूबी हो रहा है. द ब्लड ऑफ हिज बॉडी ड्रू बैक फ्रॉम इट. द ब्लड वॉज अलाइव लाइक द डॉग. जहां जहां उसके शरीर में उसको ठंड लग रही थी वहां से खून का बहना कम हो रहा था. ब्लड वॉज अलाइव कहने का मतलब यह है कि शरीर में अभी भी खून दौड़ रहा है, कहीं जमा नहीं है. बिल्कुल उस कुत्ते की तरह जो ये सब अनहोनी देख रहा है और मनी मन सोच रहा है कि ये बंदा पागल है. Like the dog, it wanted to hide and seek cover away from the fearful cold. उस कुत्ते को भी कहीं छुपना था, उस कुत्ते को भी कहीं पे जाके इस डरावनी ठंड से बचना था, और यही हाल था उस इंसान के शरीर के अंदर जो खून था उसका. उस शरीर के खून को भी कहीं पे छिपना था, उस शरीर के खून को भी गर्माहट चाहिए थी इस खतरनाक सी ठंड से. But now it sank down into the lowest depths of his body. खून एक ऐसी जगह पे जाके रुक गया जो शरीर का सबसे भीतरी हिस्सा था. His feet and hands were the first to feel its absence. हमारे हाथ पैर होते हैं वो एटमोस्फियर को डायरेक्ट एक्सपोजर देते हैं, डायरेक्टली एक्सपोज होते हैं, तो सबसे पहले वहां से खून का जो बहाव है वो कम हो जाता है. सबसे पहला जो शारीरिक हिस्सा है जहां से खून बहना बंद हो जाता है वो है हमारे हाथ और पैर. तो ऐसा ही कुछ हुआ इस इंसान के साथ, हाथों और पैरों में खून की कमी सबसे पहले महसूस हुई. खून अनुपस्थित है, खून का अभाव है, ऐसा अब उसे बखूबी महसूस होने लगा था. His wet feet froze first. दस्तानों के अंदर भी पानी चला गया था, मोकेजिंस के अंदर भी पानी चला गया था, जूतों के अंदर, इसलिए उसके पैर भी गीले हो चुके थे और सबसे पहले पैर जम चुके थे. His bare fingers were numb, although they had not yet begun to freeze. उंगलियां सुन्न पड़ गई थी लेकिन अभी तक वो जमी नहीं थी. Nose and face were already freezing, while the skin of all his body became cold as it lost its blood. उस बंदे की नाक और चेहरा धीरे धीरे जमने लगे थे और जो त्वचा है, जो स्किन है, उस इंसान की जो खाल है वो ठंडी पड़ चुकी थी. क्यों? क्योंकि खून का बहना बंद हो चुका था. But he was safe. Toes and nose and face would be only touched by the frost because the fire was beginning to burn with strength. इतना होने के बावजूद उसने सोचा कि खतरा नहीं है क्योंकि बड़ी ही ताकत से आग भी जलने लगी थी. अब उसने सोचा कि टोज यानी कि पैरों की उंगलियां, नाक और चेहरा, इसके ऊपर सिर्फ फ्रॉस्ट है जिसको हम ड्यू या तो फिर तुषार कह सकते हैं, और उसने सोचा कि मुझे निश्चिंत रहना चाहिए क्योंकि अग्नि प्रकट होने से यह सब चला जाएगा. He was feeding it with sticks the size of his finger. In another minute, he would be able to feed it with larger branches. उस छोटी सी लौ पर वो छोटी छोटी लकड़ियां रख रहा था. उसने सोचा कि जैसे ही अग्नि की ताकत बढ़ेगी वो उसके अंदर बड़ी बड़ी शाखाएं डाल पाएगा. Then he could remove his wet moccasins and socks. अब उसने सोचा कि ऐसा करते करते जब आग अपने पूरे चरम पर होगी, जब बहुत बड़ी आग बन चुकी होगी, तो वो अपने जूते और अपने सॉक्स निकाल के उसमें उनको सुखाएगा और अपने पैरों को भी गर्म कर सकेगा. अपने नंगे पैरों को वो रगड़ेगा. ये सब वो सोच रहा है. अग्नि प्रकट करना सफल हुआ था. उसने सोचा कि अब वो सुरक्षित था. He remembered the advice of the old man on Sulphur Creek and smiled. अब क्या हो रहा है दोस्तों? जब वो मुसीबत में पड़ रहा है तो उस सल्फर क्रीक वाले बंदे को थैंक यू कह रहा है, और जब वो मुसीबत से बाहर आ रहा है तब फिर से वो उस सल्फर क्रीक वाले बंदे का मजाक उड़ा रहा है. He remembered the advice of the old man on Sulphur Creek. एक बूढ़ा सा आदमी था जिसने उसको एडवाइस दी थी कि मत जाइए, -50 डिग्री यानी बहुत कम. अब क्योंकि आग लगाना एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो चुका था, एक सक्सेसफुल इवेंट हो चुका था, वो उस बूढ़े आदमी को याद करके मुस्कुरा रहा है. The man had been very serious when he said that no man should travel alone in that country after 50 below zero. अब उस बूढ़े आदमी ने
बड़ी ही गंभीरता से कहा था कि भाई मत जाओ, जब -50 degrees होता है या तो फिर उससे नीचे जब तापमान गिरता है तो किसी भी इंसान को हिंडरसन क्रीक के आसपास नहीं जाना चाहिए। Well, here he was, he had had the accident, he was alone and he had saved himself. उसने सोचा कि खैर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे साथ दुर्घटना हुई लेकिन मैं अकेला हूँ और मैंने अपने आप को बचा भी लिया है। The old men were rather womanish, he thought. अब क्योंकि वो इस दुर्घटना से बाहर आ रहा था, उसको लग रहा है कि दुर्घटना खत्म हो गई, वो उस बूढ़े आदमी को वुमनिश बता रहा है, डरपोक सहमा हुआ बता रहा है। All a man must do was to keep his head and he was all right. यहाँ पे वो अपने आप पे गर्व महसूस कर रहा है, वो सोच रहा है कि अगर कोई भी इंसान हिम्मत बनाए रखे तो वो हमेशा किसी भी हालात में ठीक ही रहता है। Any man who was a man could travel alone. वो सोच रहा है कि अगर कोई लड़का है या लड़की है, अगर उसमें ढेर सारी हिम्मत हो तो अकेले यात्रा कर सकता है या कर सकती है। अगर एक इंसान मर्द है तो वो अकेले यात्रा कर ही सकता है। But it was surprising the rapidity with which his face and nose were freezing. लेकिन यह हैरानी की बात थी कि कैसे उसका चेहरा और उसका नाक बड़ी ही तेजी से जमने लगा था। इस इंसान को आश्चर्य हो रहा था। देखिए दोस्तों, अब ये जो बड़ी बड़ी बातें सोच रहा है वो दरअसल में उसकी बेवकूफी है। बॉटम लाइन वही है कि इफ यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड यू शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मदर नेचर। अगर आपको अनुभव नहीं है तो आपको कुदरत की ताकतों का या तो फिर कुदरत की ताकतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, कम नहीं आंकना चाहिए। अब धीरे धीरे इस इंसान के सामने अग्नि प्रकट हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन कुछ ही सेकेंड्स में उसका चेहरा और उसका नाक भी ठंडा पड़ रहा है। उसको आश्चर्य हो रहा है लेकिन वो इस बात की गंभीरता को नहीं समझ रहा है। एंड ही हैड नॉट थॉट हिज फिंगर्स कुड लूज देयर फीलिंग्स इन सो शॉर्ट अ टाइम। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी उंगलियां इतनी जल्दी कुछ ही क्षणों में सुन्न पड़ जाएगी। विदाउट फीलिंग दे वर बिकॉज ही फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू मेक देम मूव टुगेदर टू ग्रास्प अ स्टिक। दोस्तों, क्या आप कभी मनाली, शिमला या कोई भी ऐसे एरिया में गए हो? क्या आपने कभी ऐसी यात्रा की है जहां पे आपको बर्फ ही बर्फ दिखे, जहां पे टेम्परेचर शायद 0 या -5 या -10 हो? अगर आपने उस जगह पर खड़े रह करके सिर्फ आधा घंटा या एक घंटा निकाला होगा तो ये आपको पता होगा कि आपकी उंगलियां, आपका चेहरा सब सुन्न पड़ जाते हैं। यू डोंट फील देम, आपको महसूस ही नहीं होता कि आपकी उंगलियां हैं। इट इज जस्ट लाइक अ डॉक्टर गिविंग यू एनेस्थीसिया, राइट? आपको डॉक्टर बेहोश कर देते हैं, जहां पे ऑपरेशन करना होता है उस जगह को डॉक्टर बेहोश कर देते हैं। तो अगर तीव्र ठंड होती है तब भी यही हाल होता है, वो जो एरिया है वो अपने आप ही सुन्न पड़ जाता है। तो अब इस बंदे की उंगलियां सुन्न पड़ चुकी थी, तो हाउ कैन ही कंट्रोल इट? उंगलियों से कंट्रोल ही निकल चुका था। अब जब उंगलियों से ही कंट्रोल निकल चुका है तो वो एक छड़ी को कैसे पकड़ पाए? इट्स डिफिकल्ट टू होल्ड स्टिक। आप अपने ब्रेन से उंगलियों को कमांड ही नहीं दे सकते कि एक छड़ी को पकड़े, इट्स इम्पॉसिबल। ये इंसान एक छड़ी को पकड़ नहीं पा रहा है और इसीलिए वो अब कोई भी छड़ी को उस अग्नि में नहीं डाल पा रहा है। दे सीम्ड फार फ्रॉम हिज बॉडी एंड फ्रॉम हिम, क्योंकि अपने ही शरीर के हिस्सों पर इस इंसान को कंट्रोल नहीं रहा, इसलिए छड़ियां बहुत ही नजदीक में पड़ी हुई है लेकिन उसको लग रहा है कि वो बहुत दूर है। When he touched a stick, he had to look to see whether or not he was holding it. तो डॉक्टर्स जब एनेस्थीसिया देते हैं तो आपको पता चलता है कि डॉक्टर ने वहां पर इंजेक्शन दिया या नहीं दिया, वहां से खून निकाला या नहीं निकाला, आपको नहीं पता चलता है। तो सिमिलरली जब उस इंसान को लगा कि उसने एक छड़ी को छुआ है, उसको देखना पड़ता था कि वाकई ही उसने उस छड़ी को छुआ है या नहीं। All of which mattered a little. There was a fire promising life with every dancing flame. क्या ये इंसान ये सारी घटनाओं की गंभीरता को समझ पा रहा है? बिल्कुल नहीं। वो सोच रहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ उंगलियां सुन्न हुई है, सिर्फ मेरे पैरों से भावनाएं निकल चुकी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे सामने अग्नि है, आई हैव फायर इन फ्रंट ऑफ मी। और ये जो लॉ है, ये जो अग्नि की लॉ है मेरे सामने, वो जिंदगी से, जीवन से नाच रही है। और उस लॉ को बढ़ते हुए देखकर उसने अपने जूतों को निकालना शुरू किया। He started to untie his moccasins. They were coated with ice. पूरी तरह से वह बर्फ से लिपटे हुए थे। The thick socks were like iron, almost to the knees.
जो पैरों के मोजे थे वो लोहे की तरह कठिन बन गए थे और वो भी घुटनों तक. The moccasins' strings were like ropes of steel. जूतों की रस्सियां थी वो स्टील की एक तार जैसी बन चुकी थी. For a moment he pulled them with his unfeeling finger. सुन्न पड़ी हुई उंगलियों से उसने उस रस्सी को खींचने की कोशिश की. Then realizing the foolishness of it, he grasped his knife. उसने सोचा कि चलो अपनी उंगलियों से ही इस रस्सी को खींच लेता हूं. लेकिन क्या वो ऐसा कर सकता था? नहीं, क्योंकि उंगलियां भी नंब पड़ चुकी थी. There are no feelings in the fingers. So, फिर उसने सोचा कि यार मैं रस्सियों को मेरे चाकू से काट क्यों नहीं देता, मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूं. But before he could cut the strings, it happened. It was his own fault, or instead his mistake. He should not have built the fire under the pine tree. He should have built it in an open space. फिर से क्या गलती कर बैठा? रस्सियां काटने से पहले ये दुर्घटना हुई. आप इसे उसकी गलती कह लो, उसकी मूर्खता कह लो, दोनों सही है. अग्नि प्रकट करनी थी, हाँ अग्नि प्रकट करनी थी, लेकिन भैया एक पेड़ के नीचे नहीं, अग्नि को एक ओपन स्पेस में, खुले से एरिया में प्रकट करना था. But it had been easier to pull the sticks from the bushes and drop them directly on fire. इस इंसान का इंटेलिजेंस, इसकी बुद्धि ने उसको क्या कहा था कि पाइन ट्री के नीचे आग जलाओ ताकि हम पाइन ट्री से डायरेक्टली स्टिक्स तोड़ सकें, लकड़ियां तोड़ सकें और उस अग्नि में डाल सकें. प्लान तो कुछ ठीक ही लग रहा है, लेकिन ये प्लान साधारण वातावरण में काम कर सकता था, यहां पे उल्टा पड़ गया. कैसे? Now the tree under which he had done this carried a weight of snow on its branches. जिसे हम हिंदी में कहते हैं हिमपात, स्नोफॉल, गिरी हुई ढेर, बर्फ का गिरना. अब ये एरिया ही कुछ ऐसा था कि स्नोफॉल होती रहती थी. तो आपने पाइन ट्रीज देखे होंगे, और जब पाइन ट्रीज पे बर्फ जम जाता है तो कुछ ऐसा दृश्य बन जाता है. तो पाइन ट्रीज की टहनियों पर ढेर सारा बर्फ जमा हुआ था और वहीं पर टिका हुआ था, कुछ इस तरह. It had been blowing for weeks and each branch was heavy with snow. अब उस देवदार पेड़ की हर एक टहनी के ऊपर ढेर सारा बर्फ जमा हुआ था, और क्योंकि वहां पे हवाएं बिल्कुल नहीं बह रही थी, थोड़ी सी भी बर्फ नीचे नहीं गिरी थी, और इसीलिए हर एक टहनी पर बहुत सारा बर्फ पड़ा हुआ था. Each time he pulled a stick, he shook the tree slightly. Obviously, जब आप किसी पेड़ की टहनी को तोड़ते हैं तो एक कंपन उत्पन्न होती है, और इसी कंपन की वजह से पेड़ थोड़ा सा हिलता है. जितनी भी बार उसने टहनी तोड़ी, वो देवदार का पेड़ थोड़ा सा हिला. There had been just enough movement to cause the awful thing to happen. अब आप इमेजिन कीजिए, एक बड़ा सा देवदार पेड़ है जिसकी हर एक टहनी के ऊपर ढेर सारा बर्फ पड़ा हुआ है, और इस इंसान ने उसी पेड़ के नीचे अग्नि उत्पन्न की है, अग्नि प्रकट की है. पहले सिर्फ एक लौ थी, लेकिन उस देवदार पेड़ से उसने ढेर सारी टहनियां तोड़ी और अग्नि को बड़ा करता गया. टहनियों के तोड़ने के कंपन की वजह से बाकी टहनियों पर पड़ा हुआ बर्फ धीरे धीरे नीचे की ओर सरकता गया, और एक भयंकर सी घटना घटी. High up in the tree, one branch dropped its load of snow. This fell on the branches beneath. The process continued, spreading through the whole tree. The snow fell without warning upon the man and the fire was dead. Where it had burned was a pile of fresh snow. अनहोनी घट चुकी थी, बिल्कुल जैसे एक बुरा सपना हो. ये इंसान टहनी को तोड़ता गया और अग्नि में डालता गया, लेकिन बाकी की टहनियां उस कंपन से हिलने लगी थी, और उसके ऊपर पड़ा हुआ बर्फ धीरे धीरे सरक रहा था. कोई तो एक टहनी थी जो बहुत ऊपर थी, जिसके ऊपर ढेर सारा बर्फ था. अब वो बर्फ सरकते हुए नीचे की टहनी पर गिरा, और फिर से वो बर्फ उन दोनों टहनियों की नीचे वाली टहनी पर गिरा. नीचे गिरते गिरते ढेर सारा बर्फ इकट्ठा हो चुका था, और बिना किसी चेतावनी के ढेर सारी बर्फ उस अग्नि पर गिर चुकी थी, और इस इंसान के काफी प्रयास के बाद जो आग लगी थी उसे उस बर्फ ने बुझा दिया था. Where it had burned was a pile of fresh snow. जहां पे वो अग्नि जल रही थी वहां पर अब क्या था? बर्फ का ढेरा. The man was shocked. It was like hearing his own judgment of death. जैसे अदालत में
जज किसी इंसान को सुनाते हैं सजाए मौत, बिल्कुल वैसे ही इस इंसान ने महसूस किया। इस घटना को देखने के बाद उसे लगा कि मौत बहुत करीब थी। जो भी कुछ हुआ उसे देख के यह इंसान बहुत ही हैरान हो गया। फॉर अ मोमेंट ही सैट एंड स्टेयर्ड एट द स्पॉट वेयर द फायर हैड बीन। काफी देर तक वो इस घटना को समझने की कोशिश कर रहा था। वो उसी जगह पे घूरता रहा जहां पे पहले बढ़ती हुई अग्नि थी और अब ढेर सारा बर्फ था। देन ही ग्रीव वेरी काम। थोड़ा सा विचलित जरूर हुआ लेकिन फिर वो शांत हो गया। Perhaps the old man on the sulfur creek was right. अब क्योंकि वापस मुसीबत आ चुकी है, उसे याद आ रही है उस इंसान की जो सल्फर क्रीक पे खड़ा था, जिसने साफ साफ चेतावनी दी थी कि भाई साहब ऐसे वातावरण में मत जाइए, तापमान बहुत गिरने वाला है, आप आगे मत बढ़िए। अब उसको ये महसूस हो रहा है कि आखिरकार वो बूढ़ा आदमी जो सल्फर क्रीक पे, सल्फर की खाड़ी पे खड़ा था और जिसको ठंड का सही सही अंदाजा था, वो सही था। If he had a companion on the trail, he would be in no danger now. हर चीज का अब उसे खेद हो रहा है, उसकी योजना काम नहीं कर रही है। उसे लग रहा है कि काश मेरे साथ मैं किसी को लाया होता, काश मेरा कोई साथीदार होता जो मुझे इस दुविधा से बाहर निकाल सकता। The companion could have built the fire. किसी साथी ने, किसी हमदर्द, किसी दोस्त ने अग्नि को वापस प्रज्वलित कर लिया होता। Now he must build the fire again, and this second time he must not fail. बड़ी ही मशक्कत से उसने अग्नि प्रकट करी थी और इस चक्कर में उसकी उंगलियां सुन्न पड़ गई थी, उसके पैर सुन्न पड़ गए थे, उसकी नाक और चेहरा करीब करीब जम गया था। लेकिन अब उसको वापस अग्नि को प्रज्वलित करना पड़ेगा और दूसरी बार वो असफल नहीं होना चाहिए, ऐसा वो सोच रहा था। Even if he succeeded, he would be likely to lose some toes. अगर दूसरी बार अग्नि प्रकट करने में वो सफल भी हुआ तो एक बात साफ थी, ठंड बहुत ज्यादा हो चुकी थी और उसके पैर बुरी तरह से जमे हुए थे, और यह भी साफ था कि वो अपने पैरों की उंगलियां खोने वाला था, क्योंकि दूसरी बार अग्नि प्रकट करने के लिए थोड़े समय की जरूरत थी। His feet must be badly frozen by now, and there would be some time before second fire was ready. कुछ ऐसा ही सोच रहा था ये इंसान। उसने सोचा कि दूसरी बार मुझे असफल नहीं होना है, और अगर मैं सफल भी हो गया तो एक बात साफ है कि मैं अपनी पैरों की उंगलियों को घुमा दूंगा। Such were his thoughts, but he did not sit and think them. क्या इस समय विलाप करने का कोई मतलब था? क्या किसी चीज के बारे में सोचने का समय था? नहीं, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा थी कि समय था कि उसको तुरंत समाधान निकालना था। He was busy all the time they were passing through his mind. विचार चल ही रहे थे, दिमाग में काफी कुछ चल रहा था, लेकिन वो स्थिर नहीं था। He made a new foundation for a fire, this time in open space where no tree would be above. वो जो गलती उसने की थी, वो उसने ना दोहराने का निर्णय किया। वो एक खुली जगह पर चला गया और वापस उसने घास, टहनिया वगैरह इन सब चीजों को मिला के ढेरा बनाना शुरू किया। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसके ऊपर कोई पेड़ ना हो। Next, he gathered dry grasses and tiny sticks. अग्नि प्रकट करने के लिए घास-फूस और छोटी-छोटी लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। He could not bring his fingers together to pull them out of the ground, but he was able to gather them by the handful. क्योंकि उंगलियां सुन्न पड़ चुकी थी, क्योंकि वो अपनी खुद की उंगलियों को महसूस नहीं कर पा रहा था, लकड़ियों को जमीन से उठा पाना एक मुश्किल कार्य था, लेकिन अपनी हथेलियों का इस्तेमाल करते हुए उसने लकड़ियों का ढेरा इकट्ठा कर लिया था। इन दिस वे ही ऑल्सो गॉट मेनी पीसेस दैट वर अनडिजायरेबल। उस छोटी लकड़ियों के साथ बाकी बिन जरूरी चीजें भी आ चुकी थी, लेकिन वो क्या करता, उसकी उंगलियां सुन्न पड़ चुकी थी, इसलिए वो नहीं चुन सकता था कि उस ढेरे में क्या आना चाहिए और क्या नहीं। He worked carefully, even collecting an armful of the larger branches to be used later when the fire gathered strength. बड़ी ही सावधानी पूर्वक उसने काम किया। बड़ी बड़ी टहनियां भी लाने में वो सफल रहा। जब छोटी सी लौ एक बड़ी सी अग्नि में तब्दील हो जाएगी, तब इस बड़ी टहनियों को मैं उपयोग करूंगा, ऐसे कुछ विचार थे उसके। And all the while the dog sat and watched him. वही कुत्ता जिसको सब समझ में आ रहा था बहुत पहले से, हालांकि वो यहां पे गुलाम है, वो कुछ बोल नहीं सकता, वो कुछ कर नहीं सकता, किसी चीज के, किसी खतरे के संकेत नहीं दे सकता,
वो सब बैठ के समझ पा रहा है और देख रहा है। कुत्ता देख रहा है कि कितना परेशान है ये इंसान। कुत्ते को कहीं ना कहीं पता है कि इस इंसान का अंत बहुत नजदीक है। There was an anxious look in its eyes because it depended upon him as the fire provider and the fire was slow in coming. वो कुत्ता चिंतित था। क्यों? क्योंकि वो खुद तो अग्नि प्रकट कर नहीं सकता। उसको निर्भर करना होगा एक इंसान पर जिसके पास हाथ है, पैर है, उंगलियां हैं, समझ है। तो वही इंसान अग्नि प्रकट कर सकता है और उसी अग्नि में गर्माहट मिल सकती है और उसी गर्माहट से वो जिंदा रह सकता है। इसीलिए थोड़ा सा वो चिंतित था यह देख के कि ये इंसान कितना लाचार हो चुका है और कितनी मशक्कत कर रहा है एक छोटी सी लॉ को प्रकट करने के लिए। When all was ready, the man reached in his pocket for the second piece of the tree bark. ढेरा बन चुका था, घास फूस और छोटी छोटी लकड़ियां भी इकट्ठा हो चुकी थी। अब समय था कि वो तीली उस देवदार पेड़ की छाल के साथ टकराए और एक छोटी सी लॉ परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो जाए। He knew the bark was there, although he could not feel with his fingers. बार बार वो भूल रहा था कि उसकी उंगलियां सुन्न पड़ चुकी है। इसलिए जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला, अपना हाथ तो वो डाल पाया, लेकिन जेब में क्या है ये उसे महसूस नहीं हुआ। उसे पता ही नहीं लग रहा था कि मेरी जेब में क्या वाकई उस पेड़ की छाल मौजूद है भी या नहीं। He tried again and again, but he could not grasp it. उसने पूरी ताकत लगा दी, बार बार अपनी जेब में हाथ डालकर उस पेड़ की छाल को निकालने की कोशिश की, महसूस करने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की, पूरी हिम्मत लगा दी, लेकिन वो नहीं कर पाया, असफल रहा। And all the time in his mind he knew that each instant his feet were freezing. हर एक पल में उसको ये महसूस हो रहा था कि उसके पैर बुरी तरह से जमने लगे थे। This thought alarmed him, but he fought against it and kept calm. उसने अपने मन की शांति बनाए रखी। हालांकि इस विचार से उसको बेहद हैरानी हो रही थी कि इतनी तेजी से कैसे उसके पैर जम सकते हैं, लेकिन वो शांत रहा और कार्य करता रहा। He pulled on his mittens with his teeth and began swinging his arms. उंगलियों को गर्म करना बहुत आवश्यक बन चुका था, क्योंकि अगर उंगलियों को महसूस नहीं कर पाया तो चीजों को कैसे उठाएगा, कैसे वो लॉ प्रकट करेगा, असंभव है। इसलिए किसी न किसी तरह उंगलियों में रक्त का दौड़ना बहुत जरूरी बन चुका था। और रक्त को कैसे दौड़ाया जाए, दस्ताने निकालो और हाथों को लहराने लगो, बड़ी तेजी से हिलाने लगो। Then he beat his hands with all his strength against his side. हाथों को नरम करने के लिए पहले तो उसने उनको लहराया, उसके बाद अपने शरीर के साथ उनको पटकने लगा जोर जोर से। He did this while he was sitting down. उसने बैठे बैठे ऐसा किया। Then he stood up to do it. All the while the dog sat in the snow, its tail curled warmly over its feet and its sharp wolf ears bent forward as it looked at the man. पहले उसने बैठे बैठे कोशिश की और फिर खड़ा हो गया और फिर से अपने दोनों हाथ अपने शरीर के साथ पटकने लगा। कुत्ता थोड़ी दूरी पे बैठ के ये सब देख रहा था। उसने अपनी पूंछ को अपने पैरों पर एक चादर की तरह रख लिया था और उसके नुकीले कान आगे की तरफ झुके हुए थे और वो बड़ी गौर से देख रहा था कि ये इंसान आखिर में कर क्या रहा है, इस इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है। कहीं ना कहीं इस कुत्ते को पता था कि ये इंसान अब बेबस हो चुका है। And the man, as he waved his arms and hands, looked with longing at the creature that was warm and secure in the covering provided by nature. दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछने वाला हूं यहां पर। आपको क्या लगता है, इंसान ताकतवर है या प्राणी? जरा सोच के बताइए। और हां, इसका जवाब है प्राणी। बिकॉज द एनिमल्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ऑन गैजेट्स। प्राणियों को किसी बनावटी चीजों पर निर्भर नहीं करना होता है, वो तो बस कुदरत की छत्रछाया में कुदरत की दी हुई भेंट का उपयोग करके जीते रहते हैं। तो यहां पे कुछ ऐसा ही हो रहा है। हमें पता है कि ये इंसान हैरान परेशान है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा और थोड़ी ही दूरी पे ये कुत्ता बैठ के अवलोकन कर रहा है, देख रहा है। इस इंसान ने उस कुत्ते के सामने देखा और उसको ईर्ष्या हुई कि ये प्राणी कितने आराम से बैठा हुआ है इतनी ठंड में और मैं यहां पे कितना परेशान हूं। प्रकृति ने उसको कुछ ऐसी चीज प्रदान की है जिसकी छत्रछाया में वो आराम से इतनी ठंड में बैठा हुआ है। After a time he began to notice some feeling in his beating fingers.
काफी देर पटकने के बाद अब उसकी उंगलियों में जान आ रही थी और उसको इस बात का एहसास धीरे धीरे हो रहा था. The feeling grew stronger until it became very painful, but the man welcomed the pain. उसको अपनी उंगलियों का एहसास अब बखूबी हो रहा था, लेकिन उंगली होने के एहसास के साथ साथ उंगली में दर्द का भी एहसास हुआ. उंगलियों के सुन्न पड़ने से तो उंगलियों में दर्द होना अच्छा है, ऐसा उसने सोचा. He pulled the mitten from his right hand and grasped the tree bark from his pocket. तुरंत उसने अपने दाहिने हाथ से दस्ताना निकाला और तुरंत अपनी जेब में से उस पेड़ की छाल को बाहर निकाला. The bare fingers were quickly numb again. बिना दस्ताने के उंगलियां वापस सुन्न पड़ चुकी थी. Next, he brought out his pack of matches. देवदार पेड़ की छाल तो निकल चुकी थी, लेकिन अब उसको जलाने के लिए माचिस निकालना भी तो था. तो उसने तुरंत मैचेस को निकाला. मैचबॉक्स यहां पर नहीं है और इसलिए वो पेड़ की छाल से लौ को प्रकट कर रहा है. अब मैच स्टिक्स बहुत सारी थी जो उसने जेब से निकाली थी, लेकिन क्या हमें सारी की सारी मैच स्टिक्स चाहिए? नहीं, सिर्फ एक ही चाहिए. इन हिज एफर्ट टू सेपरेट वन मैच फ्रॉम द अदर्स, द होल पैक फेल इन द स्नो. ढेर सारी मैच स्टिक्स को अलग करने के चक्कर में, क्योंकि उसे एक ही चाहिए, सारी की सारी मैच स्टिक्स नीचे गिर गई. पूरा पैक नीचे गिर गया. He tried to pick it out of the snow but failed. उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कर ही नहीं पाया. The dead fingers could neither touch nor hold. हमें पता है कि उंगलियों में से वापस जान निकल गई थी, सुन्न पड़ गई थी. तो वो एक मैचस्टिक को कैसे उठा पाता? नामुमकिन बन चुका था. Now he was very careful. He drove the thought of his freezing feet and nose and face from his mind. समय था कि और सावधानी बरती जाए. He drove the thought of his freezing feet and nose and face from his mind. क्योंकि मौत दरवाजा खटखटा ही रही थी. अगर वो ये सोचता रहा कि कैसे उसके पैर जम रहे हैं, कैसे उसका चेहरा जम रहा है, तो क्या वो इस परिस्थिति का समाधान ला सकता था? बिल्कुल नहीं. उसको कॉन्स्टेंटली एक्ट करना था, कॉन्स्टेंटली सॉल्यूशन निकालना था. He devoted his whole soul to picking up the matches. जी जान लगा दी कि एक मैचस्टिक, एक माचिस की तीली हाथ में आ जाए. पूरे दिल से जितनी भी जान उसमें बची थी उससे उसने कोशिश की. He followed the movement of his fingers with his eyes, using his sense of sight instead of that touch. अब क्योंकि वो अपनी उंगलियों को तो महसूस कर नहीं पा रहा था और इसलिए उसको इस बात का अंदाजा नहीं लग रहा था कि उंगलियां किस दिशा में जा रही थी, तो उसको अपनी उंगलियों पर नजर रखनी पड़ती थी. When he saw his fingers on each side of the pack, he closed them. वो अपने हाथ को माचिस की तीलियों के पैकेट के पास लाने में सफल रहा था, लेकिन उसी पैकेट को पकड़ने में और उसको उठाने में अभी भी असफल था. यहां पे लिखा है ही क्लोज्ड देम. अपने दिमाग से उसने ऑर्डर दिया अपनी उंगलियों को कि यस दिस इज द पैकेट, उंगलियां बंद करो, मुट्ठी बांध के रखो. दैट इज ही विल टू क्लोज देम बट द फिंगर्स डिड नॉट ओबे. उसने अपनी उंगलियों को ऑर्डर दिया था, लेकिन क्या वो अपनी उंगलियों को बंद करने में सफल रहा था? नहीं, उसकी उंगलियों ने उसकी बात मानी ही नहीं. He put the mitten on the right hand again and beat it fiercely against his knee. उसने अपने दाएं हाथ में वापस दस्ताना पहन लिया और फिर से अपने हाथ को अपने घुटनों से जमकर पीटा. Then with both mitten hands he lifted up the pack of matches along with much snow to the front of his jacket. अब दाएं और बाएं हाथ में दस्ताना था. दोनों हाथों में दस्ताना पहने हुए उस माचिस की तीलियों के पैकेट को उसने उठाया और उसको उठाते वक्त अभी भी उसमें थोड़ी बहुत बर्फ आ चुकी थी, क्योंकि उसकी उंगलियां अभी भी सुन्न थी और बर्फ और माचिस की तीलियों को अपने जैकेट के आगे ला के रखा. बट ही हैड गेन नथिंग. क्या ऐसा करने से उसे कुछ मिला था? नहीं. आफ्टर सम स्ट्रगलिंग ही मैनेज्ड टू गेट द पैक बिटवीन हिज मिटन हैंड्स. कुछ संघर्ष के बाद वो अपने दस्ताने पहने हुए हाथों के बीच माचिस की तीलियों को प्राप्त करने में सफल हुआ. अब सिर्फ उसके हाथ में माचिस की तीलियों का पैकेट था. इन दिस मैनर ही कैरीड इट टू हिज माउथ. अब उसने सोचा कि अगर इतनी सारी तीलियों में से एक माचिस की तीली को अलग करना है और क्योंकि मेरे हाथ सुन्न पड़ चुके हैं, उंगलियां काम नहीं कर रही, तो क्यों ना मैं अपने मुंह से एक तीली निकाल के रखूं. तो माचिस की तीलियों का पैकेट उसने अपने मुंह के आगे लाया. द आइस ब्रोक एज ही ओपन हिज माउथ विद अ फियर्स एफर्ट. हमें पता है कि इस इंसान के मुंह के आसपास भी ढेर सारी बर्फ जम चुकी थी. अब ये तो जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था, तो कुछ भी करके
अग्नि प्रकट करनी थी। अब हाथ तो काम कर नहीं रहे तो बचा मुंह। बहुत मशक्कत की और आखिरकार अपने मुंह के आसपास जो बर्फ जमी थी उसको वो तोड़ने में सफल रहा और इस प्रकार वो अपना मुंह खोल पाया। He used his upper teeth to rub across a pack in order to separate a single match. अपने मुंह के ऊपरी दांतों का उपयोग करते हुए उसने ढेर सारी तीलियों में से एक माचिस की तीली निकाली। He succeeded in getting one which he dropped on his jacket. His condition was no better. He could not pick up the match. अब माचिस की तीली तो अलग हो चुकी थी लेकिन इसको मैच के साथ रगड़ना था ताकि माचिस की तीली जल सके। अब ऐसे कैसे हो सकता था? उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। He could not pick up the match. दोस्तों, मैच क्या होता है? It is a short thin piece of wood or cardboard used to light a fire. तो यहाँ पे उसी ट्री बार्क की बात हो रही है जो उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जेब से निकाला था। तो पहले उसने ट्री बार्क को निकाला, फिर एक माचिस की तीली को अलग किया। ये दोनों काम करने में वो सफल रहा। अब इस माचिस को कैसे जलाया जाए? Then he thought how he might do it. He picked up the match in his teeth and drew it across his leg. वो जो ट्री बार्क था जो उसने बड़ी मुश्किल से निकाला था उसको इसने अपने पैरों के बीच अटका दिया। और एक ही झटके में ऐसा हो पाया था? नहीं, कम से कम 20 बार उसने उस ट्री बार्क को अपने दांतों से उठाया और अपने पैरों के बीच अटकाने की कोशिश की। As it flamed, he held it with his teeth to the tree bark. अब माचिस की तीली जल चुकी थी और इस इंसान ने उसको अपने दांतों से पकड़ के रखा था और वो उसको उस पेड़ की छाल तक ले जाना चाहता था। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो, जब एक मैच स्टिक आपके दांतों के बीच हो और वो जल रही हो तो उसकी स्मोक, उसका धुआं आपकी नाक में जाएगा और आपको परेशानी होगी, नाक में जलन होगी। तो ऐसा ही कुछ हुआ क्योंकि काफी सारा धुआं उस इंसान की नाक में चला गया, उसको खांसी आ गई। But the burning smell went up his nose, causing him to cough. The match fell into the snow and the flame died. Match, वो लकड़ी बर्फ में गिर गई और वो छोटी सी ज्वाला भी ढेर सारी बर्फ में बुझ गई। The old man on the sulfur creek was right. He thought in the moment of control despair that followed. अब क्योंकि मौत दरवाजे खटखटा रही थी, उसे फिर से उस बूढ़े इंसान की याद आ गई जो सल्फर क्रीक पे इसको मिला था। उसने सोचा कि सल्फर क्रीक पर जो बुढ़ा आदमी मिला था वो सही कह रहा था। अब ये बंदा इस घड़ी बहुत ही निराश हो चुका है। After 50 below zero, a man should travel with a companion. अगर तापमान -50 degrees हो तो आपको आपके दोस्त के साथ वहां पर जाना चाहिए। अकेले ट्रैकिंग नहीं करना चाहिए और वो भी इतनी तीव्र ठंड में जब वातावरण जानलेवा हो। ऐसे कई सारे विचार इस इंसान को अब आने लगे थे। He beat his hands but failed to produce any feelings in them. जब वो चलते चलते रुका था तब उसके शरीर में रक्त अभी भी दौड़ रहा था और इसलिए जब वो अपने हाथों को अपने शरीर से पीटता था तो हाथों में वापस जान आ जाती थी। लेकिन अब इस वक्त वो एक ही स्थान खड़ा है, एक ही जगह पे खड़ा हुआ है और अपने हाथों में वो जान लाने की कोशिश कर रहा है। बहुत बार पटक रहा है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा। Suddenly he bared both hands, removing the mittens with his teeth. अचानक उसने अपने हैंड ग्लव्स या तो फिर दस्ताने निकाल दिए। कुछ तो करना ही था उसे। अगर उसने कुछ जल्दी से नहीं किया तो उसकी मौत निश्चित थी। He got a whole pack of matches between his hands. अब उसने सारी की सारी माचिस की तीलियां दोनों हाथों के बीच पकड़ के रख ली थी। His arm muscles were not frozen and he was able to press the hands tightly against the matches. उंगलियां और हथेली जम चुकी थी, सुन्न पड़ चुकी थी लेकिन जो बाकी हाथों के मसल्स थे, बाकी जो मांसपेशियां थी वो अभी तक जिंदा थी। उसकी मांसपेशियों की मदद की वजह से ही वो उनको पकड़े रखने में सक्षम रहा। Then he drew the whole pack along his leg. सारी की सारी तीलियों को अपने पैरों के साथ रगड़ा। It burst into 70 flames all at once. It burst into flame 70 matches at once. अब एक साथ 70 matches की तीलियां जल रही थी। There was no wind to blow them out. 70 जलती हुई matches की तीलियों को बुझाने के लिए हवा मौजूद नहीं थी। He kept his head to one side to escape the burning smell and held the flaming pack to the tree bark. अब इस इंसान ने जलती हुई गंध से बचने के लिए अपने सिर को एक तरफ रखा और
उसी जलते हुए पैक को पेड़ की छाल के पास रख दिया। As he so held it, he noticed some feelings in his hand. जैसे ही वो ये कार्य कर रहा था, उसने महसूस किया कि हाथों में थोड़ी थोड़ी जान वापस आ रही थी। His flesh was burning. ऐसा नहीं है कि हाथ वापस नरम हो रहे थे, ऐसा नहीं है कि वो वापस नॉर्मल हो रहे थे। उसको महसूस इसीलिए हुआ क्योंकि उसका मांस जल रहा था। He could smell it. जब एक मांस का टुकड़ा जलता है तो उसकी बदबू आती है और इसी बदबू को इसने महसूस किया। The feeling developed into pain. क्यों नहीं, जब अपने ही शरीर का कोई हिस्सा जल रहा हो तो दुख तो होगा। He continued to endure it. वो चुपचाप इस दर्द को बर्दाश्त करता रहा। He held the flame of matches to the bark that would not light readily because his own burning hands were taking most of the flame. उस पेड़ की छाल के पास जलती हुई लौ को उसने आगे तो किया, लेकिन वो पेड़ की छाल जल्दी से जल नहीं रही थी। और ऐसा क्यों? क्योंकि उसके खुद के हाथ ज्यादा से ज्यादा उस ज्वाला का उपयोग कर रहे थे। Finally, when he could endure no more, he pulled his hands apart. अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने अपने दोनों हाथों को अलग कर दिया। The flaming matches fell into the snow, but the tree bark was burning. जलती हुई माचिस की तीलियां अब बर्फ में गिर चुकी थी, लेकिन एक अच्छी बात यह हुई कि वो पेड़ की छाल अब जल रही थी। He began laying dry grasses and the tiniest sticks on the flame. उस जलती हुई लौ पर अब वो सूखी घास और छोटी छोटी छड़ियां डालने लगा था। He could not choose carefully because they must be pieces that could be lifted with his hands. क्या वो बड़ी आसानी से एक एक करके छड़ियों को उठाकर उस लौ में डाल सकता था? क्या वो चुन चुन कर घास की गठरी को उस अग्नि में डाल सकता था? जी नहीं, वो केवल उसी चीजों को उस लौ में डाल पा रहा था जिनको वो आसानी से उठा सके। Small pieces of green grass stayed on the sticks and he bit them off as well as he could with his teeth. अब दोस्तों, किस प्रकार की घास जल्दी से जलती है? It is the dry grass. सूखी घास आसानी से जल सकती है और हरी घास को जलने में बहुत समय लगता है। तो उसने छोटी छोटी छड़ियां तो उठा ली थी, लेकिन उसमें हरी घास के छोटे छोटे टुकड़े भी मौजूद थे जिसको उसने अपने दांतों से काट दिया था। He treated the flame carefully. उसने इस बात का ध्यान रखा कि लौ हमेशा जलती रहे। लौ का जलते रहना यानी जिंदगी। He treated the flame carefully. It meant life and it must not cease. लौ कभी भी बुझनी नहीं चाहिए क्योंकि अब उसके पास माचिस की तीलियां भी नहीं थी, उसके हाथ भी सुन पड़ चुके थे और अगर ये लौ बुझ गई तो अब ऐसी कोई योजना नहीं थी जिसके बल ये इंसान जिंदा रह सकता था। A blood had left the surface of his body and he now began to shake from cold. हमें पता है कि हाथ जलने लगे थे और इसी वजह से उसके शरीर से खून भी बहने लगा था। और क्योंकि वो एक ही स्थान पे स्थिर खड़ा हुआ है और बहुत ज्यादा कार्य नहीं कर रहा, वो ठंड की गिरफ्त में आ चुका है। तीव्र ठंड ने उस पर जीत हासिल कर ली है, इसलिए अब वो कांपने लगा है। A large piece of a wet plant fell on the little fire. एक गीले पौधे का बड़ा सा टुकड़ा उस छोटी सी लौ पे गिरा। He tried to push it out with his fingers. अपनी उंगलियों से उसने उसको हटाने की पूरी कोशिश की। His shaking body made him push it too far and he scattered the little fire over a wide space. उसका शरीर कांप रहा था, यह हमें पता ही है, और इसलिए वो ठीक से अनुमान नहीं लगा पाया, उस गीले पौधे को ठीक से उठाकर फेंक नहीं पाया और इसी चक्कर में उस छोटी सी आग को उसने खुली जगह पर बिखेर दिया था। He tried to push the burning grasses and sticks together again. उसने वापस जलती हुई घास और जलती हुई छड़ियों को इकट्ठा करने की कोशिश की। Even with the strong effort that he made, his trembling fingers would not obey and the sticks were hopelessly scattered. वो प्रयास करता रहा, लेकिन क्या ये साधारण प्रयास था? नहीं, ये जिंदगी और मौत का खेल था और उसने पूरा दम लगा दिया था, मजबूत प्रयास किया था उसने, लेकिन वो कैसे कर पाता? उसकी उंगलियां कांप रही थी और उसकी उंगलियां उसके आदेशों का पालन बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। और हुआ क्या था? अभी भी जलती हुई छोटी छोटी छड़ियां और जलती हुई सूखी घास बिखरी पड़ी थी। Each stick smoked a little and died. ये तो आपको पता ही है दोस्तों, जब लौ बहुत छोटी होती है और चीज बहुत बड़ी होती है तो क्या होता है, थोड़ा बहुत जलने के बाद लौ अपने आप बुझ जाती है। तो कुछ ऐसा ही हुआ,
छोटी छोटी जड़ियां थोड़ी बहुत जली थी और फिर उनमें से लौ बुझ गई थी और अब उनमें से सिर्फ धुआं निकल रहा था. द फायर प्रोवाइडर हैड फेल्ड. As he looked about him, his eyes noticed the dog sitting across ruins of the fire from him. अब यहाँ पे फायर प्रोवाइडर कौन है? एक इंसान जो कि अग्नि प्रकट कर सकता है, वो कौन है यहाँ पे? वो यही इंसान है. और वो किसके लिए? उस कुत्ते के लिए जो आराम से बैठ के सब कुछ देख रहा है. और वो सोच रहा है कि ये बंदा अग्नि प्रकट करने में असफल रहा है, हार गया है. The fire provider had failed. As he looked about him, his eyes noticed the dog. कितनी परेशानी में है ये बंदा. और जब उसने दूसरी ओर देखा तो वही कुत्ता बिखरी हुई सूखी घास और छड़ियों के उस पार बैठा हुआ था. इट वॉज मेकिंग अनईजी मूवमेंट्स, लाइटली लिफ्टिंग वन फुट एंड देन द अदर. अगर आप एनिमल लवर हैं तो आपको पता ही होगा कि कुत्तों को भी एंग्जाइटी होती है, नर्वसनेस होती है, और ये साफ साफ पता चलता है उनकी हरकतों से. तो अब इस कुत्ते को समझ में आ गया था कि ये इंसान अग्नि प्रकट नहीं कर पा रहा है, तो वो एंग्शियस हो रहा है और अपना एक पैर उठा रहा है और फिर दूसरा. द साइट ऑफ द डॉग पुट अ वाइल्ड आइडिया इनटू हिज हेड. अब आइडियाज तो सोचने पड़ेंगे, विचार करने पड़ेंगे, योजनाएं बनानी पड़ेगी अगर जिंदा रहना है तो. तो एक अजीब सा विचार इस इंसान के दिमाग में आया जब उसने उस कुत्ते को देखा. He remembered the story of a man caught in a storm who killed an animal and sheltered himself inside the dead body and thus was saved. तो अगर आपने रेवेनेंट मूवी देखी होगी तो आपको पता है कि कैसे लियोनार्डो डी कैप्रियो तीव्र ठंड में एक भालू के शरीर के अंदर छुप जाता है और कैसे वो जिंदा रहता है. और इस बंदे ने भी ऐसा कुछ देखा था, ऐसा सुना था, एक ऐसी कहानी सुनी थी जिसमें एक इंसान तूफान में लिपटा होता है और तूफान से बचने के लिए वो किसी एनिमल को मार के उसकी डेड बॉडी के अंदर शरण ले लेता है और ऐसे उसकी जान बचती है. अब ये कहानी उसके दिमाग में आई जब इस इंसान ने उस कुत्ते को देखा. तो प्लान बहुत साफ है, कुत्ते को मारो और उसकी चमड़ी के अंदर शरण ले लो और अपनी जान बचाओ. He would kill the dog and bury his hands in the warm body until feelings or feeling returned to them. Then he could build another fire. योजना बहुत ही सिंपल थी, हाथों को नरम करना था. अगर हाथ नरम हो गए तो काफी सारे काम हो सकते थे. और एक बार अपनी उंगलियों को उसने महसूस कर लिया, उसके बाद वो वापस अग्नि प्रकट कर सकता था. तो क्या कुत्ता इसकी बातों में आता है? आइए जानते हैं. He spoke to the dog, calling it to him. But in his voice was a strange note of fear that frightened the animal. शायद पूरी दुनिया में कुत्ते सबसे बुद्धिशाली प्राणी हैं और ये साबित भी हो चुका है. काफी देर से इस कुत्ते को इस बात का अंदाजा लग चुका है कि ये इंसान अग्नि नाम की चीज है, वो कभी प्रकट नहीं कर सकता, ये एक असफल इंसान है. तो यहाँ पे जब इस इंसान ने उस कुत्ते को बुलाने की कोशिश की, वो जो बुलावा था वो प्यार से नहीं भरा था, वो आदेश से भी नहीं भरा था. कुत्ते ने इस इंसान की आवाज गौर से सुनी और उसने ठीक से पहचाना कि ये जो बुलावा है उसमें बहुत सारी घबराहट है, डर है. और जिस तरीके से वो इंसान उस कुत्ते को बुला रहा था, कुत्ते को डर सा लगा था. It had never known the man to speak in such a tone before. कुत्ते ने ऐसा कोई भी इंसान नहीं देखा था या नहीं सुना था जो इस प्रकार उसको बुलाए. Something was wrong and it sensed danger. इस कुत्ते ने यह सोच लिया था कि something is very wrong. कुछ तो बहुत गड़बड़ था और कुछ तो बहुत खतरे से भरा हुआ था. It knew not what danger. But somewhere in its brain arose a fear of the man. इंसानों से खतरा क्या होता है ये इस कुत्ते को नहीं पता था, क्योंकि सभी ने इस कुत्ते को प्यार से बुलाया था और ढेर सारा प्यार दिया था. तो खतरा क्या होता है ये इस कुत्ते को नहीं पता था, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में एक डर सा बैठ गया सिर्फ और सिर्फ इस इंसान के लिए. इट फ्लैटन्ड इट्स ईयर्स एट द साउंड ऑफ द मैन्स वॉइस. जिस दिशा में ध्वनि सुनाई देती है उस दिशा में कुत्ते अपने कानों को संरेखित कर लेते हैं. कुत्तों के कान उस दिशा में ही पॉइंट करते हैं जहां पे साउंड आ रही होती है. लेकिन जब इस इंसान ने, इस डरे हुए इंसान ने उस कुत्ते को बुलाया, तो इस कुत्ते ने उस इंसान के बुलावे को अनसुना कर दिया. इट्स अनईजी मूवमेंट्स एंड द लिफ्टिंग ऑफ इट्स फीट बिकेम मोर नोटिसेबल. साफ तौर से यह पता चल रहा था कि कुत्ता बेचैन था. वो कुछ ऐसे शारीरिक इशारे दे रहा था जिससे पता चल रहा था कि कुत्ता परेशान था. He got down on his hands and knees and went towards the dog.
But this unusual position again excited fear and the animal moved away. ये जो इंसान है वो कुत्ते को प्यार से बुलाने का ढोंग कर रहा है. वो अपने घुटनों पे बैठ गया और अपने हाथों को उस कुत्ते के सामने फैलाया और फिर कुत्ते को बुलाने की कोशिश की. कुत्ते को डर लगा और फिर छोटे बच्चे की तरह रेंगते हुए वो उस कुत्ते के नजदीक गया. लेकिन इस कुत्ते ने कभी ऐसी असामान्य स्थिति नहीं देखी थी, असामान्य चलने की शैली या जिसे कह सकते हैं चलने का अंदाज नहीं देखा था. एक कुत्ते ने किसी को अपने पास रेंगते हुए आता नहीं देखा था और इसलिए वो कुत्ता और डर गया और इस इंसान से और दूर चला गया. The man sat in the snow for a moment and struggled for calmness. ये इंसान एक पल में, एक क्षण बर्फ में ही बैठा रहा और शांति के लिए संघर्ष करता रहा. उसका मन विचलित हो चुका था, डिस्टर्ब्ड हो चुका था. मुसीबत आने पे वो अपने आप को काम कर लेता था, ठंडा कर लेता था, पेशेंट हो जाता था और सॉल्यूशन निकालता था. लेकिन अब क्योंकि सारे विकल्प बंद हो चुके हैं, वो मन की शांति के लिए संघर्ष कर रहा है. Then he pulled on his mittens using his teeth and then stood on his feet. दस्तानों को वापस अपने दांतों से उसने निकाला और अपने पैरों के बल खड़ा हो गया. He glanced down to assure himself that he was really standing because lack of feeling in his feet gave him no relation to the earth. अगर आप खड़े होते हो तो आपके पैर जमीन को स्पर्श करते हैं और ये आपको साफ तौर से महसूस होता है क्योंकि आपके पैरों में जान है, फीलिंग्स हैं, रक्त दौड़ रहा है और दिमाग को संकेत दे रहा है. लेकिन इस इंसान के पैर तो बहुत पहले से सुन्न पड़ चुके थे तो इसलिए जब वो खड़ा हुआ तो उसको देखना पड़ा कि क्या वो वाकई ही खड़ा है. एक पल में उसको ये लगा कि उसको धरती से कोई संबंध ही नहीं था. His position, however, removed the fear from the dog's mind. उसको खड़ा देख करके कुत्ते को लगा कि नहीं, ये इंसान बिल्कुल पागल तो नहीं हुआ है. When he commanded the dog with his usual voice, the dog obeyed and came to him. अब इस इंसान को भी पता लग गया था कि कुत्ता डर रहा था. उसके अजीबोगरीब अंदाज को उसने तुरंत ठीक किया क्योंकि अब सिर्फ कुत्ता एक जरिया था जिंदा रहने का. तो उसने नॉर्मल होने का ढोंग किया और अपनी नॉर्मल सी आवाज से कुत्ते को बुलाने की कोशिश की. कुत्ते को कुछ असाधारण, असामान्य नहीं लगा और वो उस इंसान के पास आया. As it came within his reach, the man lost control. कुत्ता जैसे ही नजदीक आया, इस इंसान ने अपना संतुलन खो दिया और गिरते गिरते उसने उस कुत्ते को पकड़ने की कोशिश की. His arms stretched out to hold the dog and he experienced real surprise when he discovered that his hands could not grasp. हमने पहले देखा कि मांसपेशियां अभी तक जिंदा थी लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वो भी सुन्न पड़ चुकी थी. और जब वो गिर रहा था, जब उसने इस कुत्ते को पकड़ने की कोशिश की, वो अपने हाथों को ठीक से फैला नहीं पाया, ठीक से उसका उपयोग ही नहीं कर पाया क्योंकि अब हथेलियां, उंगली और सारी मांसपेशियां सुन्न पड़ चुकी थी. There was neither bend nor feeling in the fingers. जब वो उंगलियों को पहले मरोड़ता था तो थोड़ी बहुत फीलिंग्स उसको महसूस होती थी. अब चाहे वो अपनी उंगलियों के साथ कुछ भी करे उसको पता नहीं लग रहा था. अब वो पूरी तरह से जड़ हो चुकी थी. He had forgotten for the moment that they were frozen and that they were freezing more and more. क्योंकि अपने हाथों का इस्तेमाल हम बचपन से कर रहे हैं और सालों से करते आ रहे हैं तो ऐसी अवस्था में हम भूल जाते हैं कि अब हमारे हाथ कुछ काम के नहीं रहे. तो ये इंसान भूल गया था कि उसकी उंगलियां अब उसके आदेशों को नहीं मान रही और उसको ये भी महसूस हो रहा था कि तीव्र ठंड की वजह से अपनी उंगलियां और भी ज्यादा जम रही थी. All this happened quickly and before the animal could escape, he encircled its body with his arms. ये सब बहुत तेजी से हुआ और इससे पहले कि कुत्ता घबरा के भाग जाए, इस बंदे ने उस कुत्ते के शरीर को घेर लिया. He sat down in the snow and in this fashion held the dog while it barked and struggled. वह बर्फ में बैठ गया और उसने कुत्ते को कुछ इस तरीके से पकड़ा था कि वो संघर्ष करने लगा था और भौंकने लगा था. But it was all he could do, hold its body encircled in his arms and sit there. और कर भी क्या सकता था, सिर्फ उस कुत्ते को घेर के बैठ सकता था. He realized that he could not kill the dog. कुत्ते को मार के उसके शरीर से गर्माहट लेने की योजना अब उसे बेकार लग रही थी. जब उसके हाथ काम ही नहीं कर रहे तो वो कुत्ते को कैसे मार पाता. There was no way to do it. ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि वो कुत्ते को मार सके.
With his frozen hands, he could neither draw nor hold his knife. अब एक माचिस की तीली को पकड़ना मुश्किल हो गया था, अपनी उंगलियों को महसूस करना मुश्किल हो गया था, तो वो एक चाकू को कैसे भला पकड़ सके? Nor could he grasp the dog around the throat. अब अगर मान लो कि चाकू उठाया नहीं जा रहा, तो दूसरा तरीका है कुत्ते के गले को घोंट कर उसे मार डालो। लेकिन क्या ऐसा भी संभव था? जी नहीं, वो ऐसा भी नहीं कर पाता था। He freed it and it dashed wildly away still barking. अब उसके पास कोई भी उम्मीद नहीं थी जिंदा रहने की, और कोई भी उम्मीद नहीं थी कि वो और कुछ कर सके, और प्लान्स बना सके, योजनाएं बना सके, कुछ विचार कर सके, आइडियाज कर सके कि वो जिंदा रह पाए। अब उसके पास कोई भी उम्मीद नहीं थी, और उसने कुत्ते को आजाद कर दिया। उस कुत्ते ने उस इंसान से दूर भागते हुए दौड़ लगाई, और वो अभी भौंक रहा था। वो इस इंसान से 40 फीट दूर चला गया। इट स्टॉप्ड 40 फीट अवे एंड ऑब्जर्व्ड हिम क्यूरियसली विद ईयर्स शार्पली बेंट फॉरवर्ड। बहुत दूर चला गया ये कुत्ता, और दिलचस्पी से वो इस इंसान की अवस्था को देख रहा था। अब इस वक्त उसके कान उसी दिशा में सब सुन रहे थे जिस दिशा में वो इंसान तड़प रहा था। The man looked down at his hands to locate them and found them hanging on the ends of his arms. अब इस बंदे के हाथ इतने ठंडे पड़ चुके थे कि उसने पता लगाने की कोशिश की कि भैया मेरे हाथ है कहां। तो उसने देखा कि उसके हाथ जैसे एक बेजान रस्सी लटकती है, वैसे ही अपने कंधों से लटक रहे थे। He thought it curious that it was necessary to use his eyes to discover where his hands were. उसको इस बात की बड़ी हैरानी हुई कि अपने खुद के हाथों को पता लगाने के लिए उसको अपनी आंखों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वो इस बात को लेकर के जिज्ञासु भी हो गया, उसको अजीब भी लगा, वो उत्सुक हो गया। He began waving his arms, beating the mitten hands against his sides. He did this for 5 minutes. वो पागलों की तरह अपने हाथों को हिलाने लगा, और कंधों के बल से पूरे हाथ को अपने शरीर के साथ पीटने लगा, और ऐसा उसने पूरे 5 मिनट तक किया। His heart produced enough blood to stop his shaking, but no feeling was created in his hands. उसका दिल अभी भी धड़क रहा था, और वो इतना खून पैदा कर रहा था कि उसको थोड़ी बहुत गर्मी महसूस हो। उसका रक्त अभी भी ठंडी के कंपन से उसको बचा रहा था, लेकिन चाहे वो जो भी कर ले, वो अपने हाथों को महसूस नहीं कर पा रहा था। A certain fear of death came upon him. मौत का एक निश्चित डर उसके ऊपर आ गया था। He realized that it was no longer a mere problem of freezing his fingers and toes or of losing his hands and feet. अब केवल उंगलियां या पैरों की उंगलियों को खोने का प्रॉब्लम नहीं था। समस्या सिर्फ इतनी नहीं थी कि अगर मेरी हाथों की उंगलियां सुन्न पड़ गई तो क्या होगा, अगर मेरे पैर सुन्न पड़ गए तो क्या होगा। अब समस्या कुछ और ही थी। Now it was a problem of life and death with the circumstances against him. सारी परिस्थितियां उसके खिलाफ हो चुकी थी, और अब यह जीवन और मृत्यु की समस्या थी। कोई छोटे मोटे शारीरिक अंग के सुन्न पड़ने की समस्या नहीं थी। The dog joined him and followed closely behind. उसे पहले एक और सेंटेंस है, The fear made him lose control of himself and he turned and ran along the creek bed on the old trail. अब ये इंसान पूरी तरह से डर चुका है। सारा ओवर कॉन्फिडेंस, सारा अज्ञान, सारी बेखबरी उस पर हावी पड़ रही है, और वो पुरानी पगडंडी पर नाले के किनारे दौड़ने लगा। एक पुराना रास्ता था उसी खाड़ी के किनारे, वहां पे उसने अपनी पूरी जान लगाकर एक दौड़ लगाई। The dog joined him and followed closely behind. अब कुत्ता इस इंसान की मानसिक अवस्था को पूरी तरह से जान चुका था, इसलिए वो बहुत करीब तो नहीं गया, लेकिन उस कुत्ते ने इस इंसान का पीछा किया। The man ran blindly in fear such as he had never known in his life. एक ऐसा डर का अनुभव इस इंसान को हो रहा था जैसा उसने पहले अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया था। ये कोई ऐसा छोटा मोटा डर नहीं था, ये मरने का डर था। Slowly as he struggled through the snow, he began to see things again. The banks of the creek, the bare trees and the sky. गाढ़ी सी बर्फ में वो आगे बढ़ने के लिए बहुत संघर्ष कर रहा था, लेकिन इसके चलते उसने वापस उसी खाड़ी के किनारे को देखा, कुछ पेड़ों को देखा और खुले आसमान को देखा। The running made him feel better. He did not shake anymore. जितनी ताकत बची थी उतनी ताकत को लिए हुए इस इंसान ने दौड़ लगाई थी, और इससे
उसे अच्छा लग रहा था। सारी कंपन दूर हो चुकी थी, वो अब कांप नहीं रहा था। Maybe if he continued to run, his feet would stop freezing. अगर वो इसी तरीके से इतनी ही गति से दौड़ता रहा तो हो सकता है कि उसके पैर में वापस जान आ जाए, और हो सकता है कि उसके पैर वापस नॉर्मल हो जाए। Maybe if he ran far enough, he would find the camp and the boys. अब दोस्तों इसकी योजनाएं देखिए, ये चलते हुए चलते हुए चलते हुए काफी मीलों का सफर पार कर चुका है। वो एक ऐसे एरिया में फंसा है जहां पे इस वातावरण में कोई भी इंसान नहीं जाता, और वहां से ये भाई साहब वापस उस कैंप तक दौड़ लगाने की योजना बना रहे हैं। उसने सोचा कि अगर मैं इसी गति से दौड़ता रहा तो शायद मैं कैंप तक पहुंच जाऊं, और शायद मैं उन लड़कों से वापस मिल पाऊं जो सुबह के 9 बजे वहां पे बैठे थे। विदाउट डाउट ही वुड लूज सम फिंगर्स एंड टोज एंड सम ऑफ हिज फेस। इसमें कोई संदेह नहीं था कि इतनी दौड़ लगाने के बाद शरीर के कुछ हिस्से, जैसे कि चेहरा, जैसे कि उंगलियां, जैसे कि पैर, इनको वो खो दे। There is no doubt he would lose these parts of the body. But the boys would take care of him and save the rest of him when he got there. उसने सोचा कि दौड़ लगाते हुए अगर मैं कैंप तक पहुंच गया तो कम से कम मैं जिंदा रहूंगा। शरीर के कुछ हिस्सों को खोना पड़ेगा, लेकिन बाकी शरीर की देखभाल वो लड़के कर ही लेंगे। And at the same time there was another thought in his mind that said he would never get to the camp and the boys. एक विचार ऐसा था कि भाग भाग कर वो कैंप तक पहुंच जाएगा, और दूसरा विचार ये था कि नहीं, वो कैंप तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। It told him that it was too many miles away, that the freezing had too great a start, and that he would soon be dead. जो दूसरा विचार था, जो एक आवाज थी उसके मन में, वो इस इंसान को क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि कैंप काफी दूर है, मीलों दूर है, और जो तापमान है वो भी तीव्र होता जा रहा है, और जब कैंप इतनी दूर है, जब वातावरण इतना तीव्र है, तो मौत निश्चित थी। ऐसा ये इंसान सोच रहा था। He pushed this thought to the back of his mind and refused to consider it. हालांकि वही विचार जायज है, सही है, इस बंदे ने इस विचार को भाव नहीं दिया और सीरियसली नहीं लिया। Sometimes it came forward and demanded to be heard. एक होता है अपना लॉजिकल माइंड, और लॉजिकली चीजें बहुत साफ हो जाती है, और यहां पर भी जो इनर वॉइस है इस इंसान की, वो उसे चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि कैंप नजदीक नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुका है, और इस अवस्था में यू शुड नॉट रन, आप मरने वाले हो, इट इज वेरी सर्टन। बट ही पोस्टेड अवे एंड ट्राई टू थिंक ऑफ अदर थिंग्स। इस विचार को सीरियसली ना लेते हुए, इस विचार को नजरअंदाज करते हुए, ये भाई साहब बाकी चीजों का विचार कर रहे हैं। इट सीम्स स्ट्रेंज टू हिम दैट ही कुड रन ऑन फीट सो फ्रोजन that he could not feel them when they struck the earth and took the weight of his body. उसे ये अजीब लग रहा था कि वो अपने पैरों के बल भाग तो रहा है, लेकिन जब पैर जमी से टकरा रहे हैं तो वो महसूस नहीं हो रहा। अपने शरीर का पूरा पूरा वजन, पूरा पूरा भार उठाते हुए वो दौड़ तो रहा है, लेकिन उसे महसूस नहीं हो रहा। ये उसको बहुत अजीब लग रहा था। He seemed to be flying along above the surface and to have no connection with the earth. ऐसा लग रहा था कि वो दौड़ नहीं रहा है, उड़ रहा है, क्योंकि उसके पैर जमे हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कि पैरों का और धरती का कोई संबंध नहीं था। His idea of running until he arrived at the camp and the boys presented one problem. He lacked the endurance, जिसको हम सहन शक्ति कहते हैं, जिसको हम धैर्य कहते हैं। क्या सोच रहा है ये बंदा? अब उसकी योजना है कि ऐसे ही भागते रहो और भागते भागते पहुंचो कैंप, लेकिन उसने भागते हुए ही महसूस किया था कि सहन शक्ति खत्म हो गई थी। Several times he caught himself as he was falling. लड़खड़ाकर वो कई बार गिरने वाला था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। Finally he dropped to the ground unable to stop his fall. अब ये तो होना ही था, सहन शक्ति पूरी तरह से जीरो हो चुकी थी, खत्म हो गई थी, जमे हुए हाथ और जमे हुए पैर, और फिर भी दौड़ लगाना, ये निश्चित था कि शरीर एक न एक पल अपना संतुलन खोने वाला था। आखिरकार यह बंदा गिर जाता है। When he tried to rise, he failed. उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं उठ पाया। He must sit and rest, he decided. Next time he would merely walk and keep going. सच में एक बात तो कहनी पड़ेगी कि कल्पना शक्ति, इंटेलिजेंस, बुद्धि, ये सारी चीजों का इस इंसान में अभाव है। वो सोच रहा है कि चलो अब मैं यहां पे बैठ जाता हूं, और जब
मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे मैं अब दौड़ूंगा नहीं, मैं सिर्फ चलूंगा। As he sat and regained his breath, he noted that he was feeling warm and comfortable. उसकी सांसें फूल चुकी थी और जैसे ही वो ठीक हुआ, एक अजीब सी भावना जागृत हुई। उसको नरम लग रहा था और काफी आरामदायक लग रहा था। He was not shaking and it even seemed that a warm glow had come to his body. अब वो कांप नहीं रहा था और यह भी लग रहा था कि उसके शरीर में एक गर्म चमक आ गई थी। And yet when he touched his nose or face, there was no feeling. अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ उसको गर्म लग रहा था और दूसरी तरफ जब उसने अपनी नाक और चेहरे को छुआ, उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। Running would not bring life to them. उसने सोचा कि दौड़ लगाने से उनमें जान तो नहीं आ जाएगी। Nor would it help his hands and feet. वो बेजान हो गए थे, वो सुन्न पड़ चुके थे, अब उनको वापस जीवित करना असंभव था। Then the thought came to him that the frozen portions of his body must be increasing. उसके शरीर के और भी हिस्से अब जमने लगे थे। उसे विचार भी आया कि अगर मैं ऐसे ही बैठा रहा तो शायद मेरे और भी शरीर के हिस्से जमने लगेंगे। He tried to keep this thought out of his mind and forget it. जिसकी चीज को सीरियस लेना चाहिए, ये बंदा उस चीज को बिल्कुल भाव नहीं दे रहा, और जिसको भूल जाना चाहिए वो उसी चीजों पर फोकस कर रहा है। तो उसका जो लॉजिकल थिंकिंग है, लॉजिकल माइंड, वो उसे बता रहा है कि मत बैठो, नहीं तो और भी हिस्से जम जाएंगे, और भी हिस्से सुन्न पड़ जाएंगे, बेजान हो जाएंगे। लेकिन इसको, इस विचार को इस इंसान ने नकार दिया, इन विचारों को भूलने की कोशिश की। He knew that such thoughts caused a feeling of fright in him and he was afraid of such feelings. अपनी भावनाओं से भागना चाहिए या उनको महसूस करके बाहर आना चाहिए। इस बंदे ने भागने की कोशिश की, भागना सही समझा, और भला क्यों, ऐसे विचार उसके अंदर डर पैदा कर रहे थे और उसको डरना नहीं था। But the thought turned and continued until he could picture his body totally frozen. लेकिन फिर भी विचार आते ही रहे। अब इतनी तीव्र ठंड में अगर आप बैठ जाओगे तो नेचुरली आपका बॉडी आपको संकेत देने लगेगा। नेचुरली आपको विचार आएंगे कि ठंड बढ़ रही है और शरीर ठंडा पड़ रहा है। Until he could picture his body totally frozen. अब वो अपने शरीर को, खुद के शरीर को पूरी तरह से जमा हुआ देख रहा था। This was too much, and again he ran wildly along the trail. विचारों को नियंत्रण में नहीं ला सका, अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं पा सका, और पागल होते हुए उसने वापस दौड़ लगाई, वो भी उसी रास्ते पे। Once he slowed to walk, but the thought that the freezing of his body was increasing made him run again. कभी कभार वो चलने लगता था, लेकिन उसको बार बार यही विचार आते रहे कि अगर उसका पूरा का पूरा शरीर जम गया तो क्या होगा। ऐसे विचारों को ध्यान में रखते हुए वो वापस दौड़ लगाने लगता था। And all the time the dog ran with him at his heels. उस इंसान की एड़ी के इर्द गिर्द कुत्ता उसके साथ साथ भाग रहा था। When he fell a second time, the dog curled its tail over its feet and sat in front of him, facing him, curiously eager. पहली बार तो वो गिर गया था और वापस उठ के दौड़ने लगा था, लेकिन अब उसकी एनर्जी, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, सहन शक्ति सब कुछ जीरो हो रहा है। तो जब वो दूसरी बार गिरा तो ये कुत्ता बड़ी दिलचस्पी से उसको देख रहा था और उसके बिल्कुल सामने अपनी पूंछ को अपने पैरों पर रख के बैठ गया। The warmth and security of the animal angered him. ये कुत्ता इतने आराम से कैसे बैठ सकता है? ये कुत्ता इतना आरामदायक कैसे हो सकता है जब मैं इतना तड़प रहा हूं, जब मैं जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा हूं? He cursed it until it flattened its ears. ये कुत्ता इतना सुरक्षित कैसे है? अब ये इंसान उस कुत्ते को गाली दे रहा है, कुछ अनाप शनाप बक रहा है, और कुत्ते ने महसूस किया कि यह बंदा जो बोल रहा है उसमें कुछ ध्यान देने जैसा नहीं है, तो उसने वापस अपने कानों को चपटा कर दिया। This time the shaking because of the cold began more quickly. सबसे पहले तो वो बर्फ की परत थी जिसके ऊपर वो दौड़ लगा रहा था और थोड़ी देर के बाद चल रहा था, लेकिन अब वो पूरी तरह से धराशाही हो चुका था, गिर गया था, और क्योंकि पूरा शरीर उस परत के संपर्क में है, उसकी कंपन और भी बढ़ गई। He was losing his battle with the frost. तीव्र ठंड से छेड़ी हुई लड़ाई को वो करीब करीब हार चुका था। It was moving into his body from all sides. तीव्र ठंड ने
चारों ओर से उसके शरीर को घेर लिया था. This thought drove him forward. फिर से उसके शरीर के जमने के विचार उसको आए और वो खड़ा हुआ और उसने वापस दौड़ लगाई, लेकिन वो 100 feet से ज्यादा दौड़ नहीं पाया. But he ran no more than 100 feet when he fell head first. मतलब वो खड़ा हुआ और वापस दौड़ने लगा, लेकिन अब की बार वो नॉर्मली नहीं गिरा जैसे लोग गिरते हैं. पहले घुटनों के बल, फिर पेट, फिर छाती, फिर सर. सबसे पहले उसका सर टकराया जमीन पर. It was his last moment of fear. When he had recovered his breath and his control, he sat and thought about meeting death with dignity. काफी समय बीत चुका था उसी डर को याद करते हुए. काफी समय से वो इंसान डरा हुआ था, लेकिन अब जब वो गिरा था तो उसने डरना छोड़ दिया. उसकी सांसें फूल रही थी और जब वो ठीक हुई और जब उसने अपने आप को थोड़ा बहुत नियंत्रण में लाया, वो वहीं पर बैठ गया. और फिर उसने सोचा कि अगर मौत आनी ही है तो क्यों ना मैं एक गौरव के साथ, एक मर्यादा के साथ, एक शान, प्रतिष्ठा, गौरव, महिमा के साथ मरूं. However, the idea did not come to him in exactly this manner. His idea was that he had been acting like a fool. जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं. क्या वो मौत से पलायन कर सकता था? Could he escape death? कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी कि वो जिंदा रह पाए. और ये उसका गौरव था, ये उसका ईगो था. तो सबसे पहले उसने सोचा अब मौत आनी ही है तो लेट मी डाई विद रिस्पेक्ट. लेकिन फिर वो अपने आप से ऑनेस्ट हो गया. उसको ये महसूस हुआ कि उस दिन वो जो भी कर रहा था वो सिर्फ एक पागलपन था. वो बिल्कुल वैसे ही भाग रहा था जैसे एक मुर्गी जिसका सर काट दिया हो. He was certain to freeze in his present circumstances and he should accept it calmly. उसे यह शांति से स्वीकार कर लेना चाहिए था कि वर्तमान परिस्थिति के बाहर आने का कोई विकल्प नहीं था. वो तीव्र ठंड की वजह से मरने वाला था. With this newfound peace of mind came the first sleepiness. Internally, या तो फिर कह सकते हैं mentally, उसने चीजें sort out कर ली थी. उसने give up कर दिया था. उसने सोच लिया था कि योजनाएं बनाते रहना, आइडिया सोचते रहना, it was in vain, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था. He accepted कि वो जो भी कर रहा था उसमें सिर्फ और सिर्फ मूर्खता भरी थी. उसने सोचा कि उसे हार मान लेनी चाहिए. अब उसका मन शांत पड़ चुका था और सबसे पहले उसको हल्की सी नींद आने लगी क्योंकि वो बेहद थक चुका था. उसने सोचा यह तो अच्छा विचार है, क्यों ना मैं सोते सोते ही मर जाऊं. फ्रीजिंग वॉज नॉट एज बैड एज पीपल थॉट. तीव्र ठंड उतनी बुरी नहीं थी जैसा लोग इसके बारे में सोचते हैं. देयर वर मेनी वर्स वेज टू डाई. और भी काफी सारी चीजें होती है जिससे एक इंसान की मौत हो जाती है. और भी तरीके हैं, और भी कई सारे ढंग हैं जिससे एक इंसान की मौत हो सकती है और वो बहुत बुरे घटनाओं से भरे. सडनली ही सॉ हिमसेल्फ विद देम कमिंग अलोंग द ट्रेल एंड लुकिंग फॉर हिमसेल्फ. इसका क्या मतलब है दोस्तों? इस इंसान के शरीर से जीव धीरे धीरे निकल रहा है. वो धीरे धीरे मर रहा है, लेकिन मरते मरते वो विजुअलाइज कर रहा है कि कैसे उसका बॉडी बर्फ के अंदर पड़ा होगा और कैसे लोग उसको ढूंढते हुए यहां तक आएंगे. और यहां पर जो लोग उसे ढूंढने आ रहे हैं उन लोगों में इस इंसान ने खुद को देखा. एंड स्टिल विद देम ही केम अराउंड अ टर्न इन द ट्रेल एंड फाउंड हिमसेल्फ लाइंग इन द स्नो. वो धीरे धीरे इमेजिन कर रहा है, विजुअलाइज कर रहा है कि कैसे उसकी मौत के बाद कुछ लोग उसको ढूंढने के लिए आएंगे. और इन लोगों में उसने खुद को भी पाया और वो विजुअलाइज कराया कि लोग चल रहे हैं बर्फ में और एक मोड़ है और अचानक उस मोड़ पे वो खुद के बॉडी को देखेगा. लोग भी उसके बॉडी को देखेंगे ढेर सारी बर्फ में दफन किया हुआ. He did not belong with himself anymore. जैसे मैंने कहा उसकी आत्मा शरीर से निकल चुकी थी, उसकी मौत हो चुकी थी. Even then he was outside of himself, standing with the boys and looking at himself in the snow. उसका जो subconscious mind है वो अभी भी imaginations कर रहा था. वो अभी भी काफी सारे दृश्य देख रहा था कि कैसे लड़के और वो खुद अपने शरीर को वहां पे पड़ा हुआ देख रहे हैं. It certainly was cold, was his thought. वाकई में बहुत ठंड थी. When he returned to the United States, he could tell the folks what real cold was. जब वो वापस अपने घर जाएगा तो लोगों को बताएगा कि तीव्र ठंड क्या होती है. His mind went from this to the thought of the old man of Sulphur Creek, जिसको हम अचेतन मन कहते हैं,
वो ढेर सारे विचार कर रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है? वास्तव में ये इंसान मर चुका है और उसका दिमाग काफी सारी मनगठन या काल्पनिक या अवास्तविक चीजें सोच रहा है। उसने उस बुरे इंसान का भी विचार किया जो सल्फर की खाड़ी पे खड़ा था। He could see him quite clearly, warm and comfortable and smoking a pipe. Old people are wise. हमें पता है कि बूढ़े लोग समझदार होते हैं और कुछ ऐसे ही विचार इसको भी आए। उसने देखा कि जिस इंसान ने इसको चेतावनी दी थी वो कितना बुद्धिमान था, वो कितना नर्म था, कितना आरामदायक था और कैसे वो आराम से अपने घर पे बैठे हुए नशा कर रहा था। You were right, old fellow, you were right, he murmured to the old man of the sulfur creek. ये सब इमेजिनेशन में हो रहा है। So, in his imagination, वो ये सोच रहा है कि वही बूढ़ा इंसान जो सल्फर क्रीक पे था वो उसके सामने खड़ा है और वो उसे बातचीत कर रहा है। क्या कह रहा है उसको? तुम सही बोल रहे थे दोस्त, तुम बिल्कुल सही थे। Then the man dropped into what seemed to him the most comfortable and satisfying sleep he had ever known. फिर ये इंसान एक ऐसे विश्राम में, एक ऐसी निंद्रा में, एक ऐसी शांति में चला गया जिसका एहसास उसने कभी नहीं किया था। The dogs are facing him and waiting. वो कुत्ता इस इंसान के शरीर के सामने बैठा रहा और इंतजार करता रहा कि कब वो वापस खड़ा हो जाए और वापस दौड़ने लगे। The brief day ended in a long evening. सर्दियों में जो दिन रहते हैं वो छोटे रहते हैं, तो वैसे तो ये दिन बहुत छोटा था। योजना के हिसाब से 9 बजे निकलना था और 6 बजे वापस आना था, लेकिन क्योंकि अब इस इंसान की मौत हो चुकी थी ऐसा लग रहा था कि दिन तो छोटा है लेकिन शाम बहुत लंबी थी। There were no signs of fire to be made. ये शाम कुत्ते के लिए खास तौर पर लंबी हो चुकी थी क्योंकि अब ऐसा लग नहीं रहा था कि ये इंसान वापस खड़ा होकर के अग्नि प्रकट करने के प्रयास करे। Never in the dog's experience had it known a man to sit like that in the snow and make no fire. जब ये कुत्ता छोटा सा था तब से उसने देखा था कि ठंड में एक इंसान अग्नि प्रकट करने का पूरा प्रयास करता है और उसके इर्द गिर्द बैठता है, लेकिन ऐसा उसने पहली बार देखा कि एक इंसान है जो इतनी सर्दी में, इतने बर्फ में सोया पड़ा है और अग्नि प्रकट करने के प्रयास ही नहीं कर रहा। As the evening grew darker, its eager longing for the fire mastered it. शाम के 6 या 7 बज रहे थे और धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था और अंधेरे के साथ ठंड भी बढ़ रही थी। कुत्ते को गर्माहट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। With much lifting of its feet, it cried softly. अपने पैरों को उठाते हुए वो हल्के हल्के से रोने लगा, धीरे से रोने लगा। Then it flattened its ears, expecting the man's curse. अपने कानों को वापस चपटा कर दिया, यह उम्मीद रखते हुए कि ये इंसान वापस उसको गाली देगा। But the man remained silent. इस इंसान के हिलने का कोई संकेत नहीं नजर आ रहा था। Later the dog howled loudly. काफी मशक्कत करने के बाद कुत्ता जोर से चिल्लाया। And still later it moved close to the man and caught the smell of death. एक इंसान के शरीर के संकेत के माध्यम से एक कुत्ते को साफ तौर पर पता लग जाता है कि वो इंसान जीवित है या मर गया है, और इस कुत्ते को साफ साफ पता लग गया था कि अब ये इंसान मर चुका है और उस इंसान के पास रहने का कोई मतलब नहीं है। This made the animal back away. इसी वजह से कुत्ता वापस लौटने लगा। A little longer it delayed, howling under the stars that leaped and danced and shone brightly in the cold sky. तीव्र ठंड के बीच, सितारों के नीचे, खुले आसमान के नीचे ये कुत्ता एक और बार चिल्लाया। टिमटिमाते सितारों के नीचे, जो कि बड़ी खुशी से झूम रहे थे, नाच रहे थे, इस कुत्ते ने एक दर्द भरी आवाज निकाली। Then it turned and ran along the trail toward the camp it knew, where there were the other food providers and fire providers. वहां से पलटकर वो कुत्ता वापस उसी रास्ते पर चलता रहा जो कि कैंप की ओर पड़ रहा था, और वहां पहुंचते ही कुछ लोग वहां पे बैठे हुए थे जिनके पास ना केवल खाना था पर अग्नि भी मौजूद थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी समझ में आई होगी। अगर आपको डाउट्स है, कंफ्यूजन है, मुझे पूछिए कमेंट सेक्शन में और मैं आपके डाउट्स जरूर सॉल्व करूंगा। अगर आपके कोई रिकमेंडेशंस हैं, फीडबैक है, मेरी टीचिंग मेथड के लिए कोई सजेशन है, तो आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। आई होप यू हैव अ प्लेजेंट डे अहेड। उम्मीद करता हूं कि आपका दिन शुभ रहे।